गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है बच्चे, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? अच्छी चलनी चाहिए बेटा। बच्चे आज हम लोग अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है IBC 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की जब हम बात करते हैं बेटा, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे कोर्स कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल लाइफ में भी। अगर हम इसकी वेटेज आपके एग्जाम में माने तो आप मान के चलिए कि 8 to 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। और यस, ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर IBC 2016 क्या है, ये कैसे आया, सर इसके अंदर क्या होता है, हम बिल्कुल जीरो से बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चे। हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमें कुछ नहीं पता, आई विल ट्रीट यू एज अ 100% फ्रेशर कि आपको कुछ नहीं आता और हम बिल्कुल जीरो से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को पढ़ेंगे, राइट बच्चे। जब हम बात करते हैं IBC 2016 की, बेटा हमको एक चीज़ पता है कि इंडिया में अब थोड़ा सा, हम बोलते हैं ना मेरा देश चेंज हो रहा है, भारत बदल रहा है, तो बेटा इंडिया में ना बहुत बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। सर क्या कहना चाह रहे हो, एक बार देखिएगा बेटा ध्यान से। आप सबको पता है जब GST आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था, तो हम बोलते थे कि देर आर 7 टैक्सेस जिनको रिप्लेस करके एक अकेला GST बना दिया गया, राइट। हम लोगों ने सुना है, अगर हमने कभी GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ा हो या हम कभी पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव था टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉज। मतलब GST कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, इससे पहले बहुत सारे लॉ होते थे जिनको सबको कंसोलिडेट करके एक GST बना दिया गया। इसी तरीके से अगर आपने कभी लेबर लॉज के बारे में सुना हो बेटा, लेबर लॉस में बोनस, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, मेटर्निटी बेनिफिट, चाइल्ड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आता है, ESI आता है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट आता है, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट आता है, ये जितने भी लेबर से रिलेटेड लॉज है, इसके भी अभी अगर हम बात करें तो मोदी गवर्नमेंट अगर दोबारा से इलेक्शन जीतती है तो उसके बाद उनका मेन मोटिव यह है कि जितने भी लेबर लॉज है उनको भी सबको कंसॉलिडेट कर दिया जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी गवर्नमेंट को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि यार जितनी भी इंटरकनेक्टिविटी वाली चीज़ें हैं, जितनी भी इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, उनके लिए अलग अलग लॉ की ज़रूरत नहीं है, सबको कंसोलिडेट करके एक लॉ बना देना चाहिए, राइट बच्चे। बेटा इसी फ्रेमवर्क पे, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को ऐसा रियलाइज हुआ इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। गवर्नमेंट को क्या रियलाइज हुआ, सुनिए, गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ जब एक इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होता है या एक पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट होती है या एक LLP इंसॉल्वेंट होती है या एक कंपनी इंसॉल्वेंट होती है। मैंने चार नाम लिए, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो रही है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट हो रही है या कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है। गवर्नमेंट को लगा है तो ये चारों फॉर्म ऑफ बिजनेस ही, और अगर ये चारों में से कोई भी इंसॉल्वेंट हो रहा है तो क्यों इन चारों के लिए अलग अलग एक्ट्स हैं? तो बेटा इन चारों के एक्ट्स को मर्ज कर देना चाहिए और इन चारों के इंसॉल्वेंसी लॉस को मर्ज करके गवर्नमेंट ने एक बना दिया IBC 2016। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि IBC 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 क्या है, तो मैं बोलूंगा सर ये एक ऐसा कानून है जो आज के टाइम में चार फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से डील करता है। चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, आप सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे आपका दिवालिया निकल जाए, चाहे पार्टनरशिप फर्म का दिवालिया निकल जाए, चाहे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का या कंपनी का, चारों की इंसॉल्वेंसी को इसी एक्ट में डील किया जाएगा। लेकिन ये एक्ट आने से पहले चारों की इंसॉल्वेंसी को अलग अलग एक्ट में डील किया जाता था। तो हमें एक चीज समझ आई कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आने से क्या हुआ है। सर ये आने से चार फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को एक ही इंसॉल्वेंसी क्राइटेरिया के अंदर डाल दिया गया है, चाहे आज आप इंसॉल्वेंट, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे LLP हो, चाहे कंपनी हो, चारों में से कोई भी इंसॉल्वेंट होता है तो उसको IBC 2016 में डील किया जाएगा। ये बात समझ आई बच्चे? अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू। सर यहां पर वर्ड आ रहा है इंसॉल्वेंसी और यहां पर वर्ड आ रहा है बैंक्रप्सी, क्या आप बता सकते हो दोनों में फर्क क्या होता है? क्योंकि इसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में IBC 2016 बोलते हैं। सर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का क्या मतलब है, सुनिएगा बेटा ध्यान से। जब किसी की लाइबिलिटीज मोर देन एसेट्स हो जाती है एंड ही इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, मेरी लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है और मैं अपना कर्जा चुका नहीं पा रहा, आई एम नॉट एबल टू पे माई लीगल एक्सपेंसिस या आई एम नॉट एबल टू पे माई लाइबिलिटीज,
तो इसका मतलब कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं। याद रखिएगा एक चीज, इंसॉल्वेंसी फर्स्ट स्टेज होती है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम नॉट एबल टू पे माय डेट्स, इट मींस आई एम इंसॉल्वेंट। बट इंसॉल्वेंट आदमी बैंक्रप्ट तब तक डिक्लेयर नहीं होता जब तक कोर्ट नहीं बोलता। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं अपनी लैंग्वेज में, देखिएगा बेटा, इंसॉल्वेंट पर्सन जो है ही विल मूव टू द कोर्ट। अब कोर्ट की जगह बॉडीज चेंज हो गई है, इसके अंदर हम जनरली एक बात करें कोर्ट में, यहाँ एनसीएलटी मान लेते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हम इसके पास जाएंगे और एनसीएलटी को जाके हम एप्लीकेशन देंगे, और अगर एनसीएलटी को लगता है वाकई में हमारे पास पैसे नहीं है तो वो हमें बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर देगी। तो याद रखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी, व्हेन यू डू नॉट हैव मनी टू पे ऑफ योर लाइबिलिटीज, टू पे ऑफ योर लीगल डेट्स, आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, यू आर अनेबल टू पे दोस, इट मींस यू आर इंसॉल्वेंट, यू आर रनिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स, आपके बैंक में बैलेंस नहीं है, आपके पास कैश इन हैंड नहीं है, दैट सिचुएशन इज नोन एज इंसॉल्वेंसी। लेकिन जब एक इंसॉल्वेंट आदमी कोर्ट में जाता है, कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन डालता है, हिंदी में, प्योर हिंदी में हम बोलते हैं याचिका दायर करता है, या हम ये कह रहे हैं कि वो एनसीएलटी के पास जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, जो कंपनी एक्ट में बनाई जाती है, उसके पास जाके बोलता है कि माय लॉर्ड आई डू नॉट हैव मनी, मैं मान लो एक कंपनी हूँ और कंपनी मैं मेरी कंपनी के पास पैसे नहीं है, लोग मेरी जान ले रहे हैं, लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दीजिए। तो इंसॉल्वेंसी इज द प्रायर स्टेज एंड बैंक्रप्टसी इज द सबसीक्वेंट स्टेज, याद रहेगी बच्चे ये बात। और आई कैन से इंसॉल्वेंट इंडिविजुअल, इंसॉल्वेंट पार्टनरशिप फर्म, इंसॉल्वेंट LLP और इंसॉल्वेंट कंपनी कोर्ट में जाती है ताकि उसे बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो हमें ये चीज़ याद रहेगी, इंसॉल्वेंसी इज द प्रायर स्टेज एंड बैंक्रप्टसी इज द पोस्टीरियर और सबसीक्वेंट स्टेज, राइट बच्चे। तो हमसे कोई पूछे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड क्या है, तो मैं बोलूंगा ये कानून है जो कि 2016 के अंदर आया था, ये 2016 में आया था, तो इसने क्या किया, चार अलग अलग लॉस को एक ही अम्ब्रेला के अंदर ले आया। वो चार अलग अलग लॉस कौन से थे, इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल, इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म, इंसॉल्वेंसी ऑफ LLP, इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनी। अब सुनिएगा बेटा ध्यान से, एक चीज बताइए, जब भी हम कोई कानून पढ़ते हैं तो उस पर एक्ट लिखा होता है, चाहे हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा, चाहे हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, चाहे सेल ऑफ गुड्स पढ़ा, चाहे हमने कोई भी लॉ मान लो सरफासे एक्ट पढ़ा, फेमा एक्ट पढ़ा, तो इतने सारे एक्ट्स होते हैं बेटा, सब में एक्ट वर्ड लिखा होता है, यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। सर यहाँ पर कोड क्यों लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, जब इंडिया में किसी चीज़ पे एक ही कानून होता है तो उस पर एक्ट लिखा होता है, लेकिन किसी चीज़ पे, आई रिपीट, जब इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर इशू पे एक ही लॉ है तो उसमें एक्ट वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन जब किसी इशू पे एक से ज़्यादा लॉ है तो उसमें कोड वर्ड यूज़ किया जाता है। अब आप मेरी बात सुनिए, सर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो IBC है, क्या ये हर फॉर्म ऑफ बिजनेस की इंसॉल्वेंसी से डील करता है या सिर्फ चार फॉर्म ऑफ बिजनेस, इंडिविजुअल, फर्म, LLP एंड कंपनी, राइट। अगर मान लो कोई ट्रस्ट इंसॉल्वेंट हो रही है, कोई सोसाइटी इंसॉल्वेंट हो रही है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इंसॉल्वेंट हो रही है, कोई NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NPO इंसॉल्वेंट हो रही है, उसके बारे में तो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं। इसका मतलब आज भी उनके लिए अपने रिस्पेक्टिव इंसॉल्वेंसी लॉज है। तो क्या इंडिया में इंसॉल्वेंसी के लिए सिर्फ यही कानून है, और भी कानून है? सर और भी कानून है अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए। इंडिया में बहुत तरीके के फॉर्म ऑफ बिजनेसेस होते हैं, इंडिया में बहुत तरीके के फॉर्म ऑफ चैरिटीज होती है, लेकिन सर अगर हम बात करते हैं IBC की, तो IBC हर इंसॉल्वेंसी से डील नहीं करता, सिर्फ चार तरीके की इंसॉल्वेंसी से डील करता है, इसीलिए इसको कोड बोला गया है। याद रखिएगा, जब भी किसी लॉ में कोड वर्ड आता है, इसका मतलब कि इस टॉपिक पे ये इंडिया में ये सोल लॉ नहीं है, ओनली लॉ नहीं है, इस टॉपिक पे और भी लॉ है। कहने का मतलब इंडिया में ये चार फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अगर इंसॉल्वेंट होंगे या बैंक्रप्ट होंगे तो इसको IBC में डील किया जाएगा, और इसके अलावा अगर बाकी होंगे तो इसको उनको दूसरे उनके रिस्पेक्टिव लॉज में डील किया जाएगा। याद रहेगी बच्चे ये बात। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देता हूँ एक्ट और कोड के बीच में, अगर आपने कभी सुना हो तो आपने सुना होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 या इंडियन पेनल कोड 1860, ये दोनों जो है क्राइम से डील करते हैं। इंडियन पेनल कोड IPC 1860, CRPC 1973, ये दोनों क्रिमिनल लॉज है, दोनों के दोनों क्राइम से डील करते हैं, और इंडिया में एक से ज़्यादा लॉ हो गए, दो लॉ हो गए इस इशू में, इसलिए इसे एक्ट ना बोल के क्या बोला जाता है, कोड बोला जाता है, राइट बच्चे। तो आई होप कि हमें इतनी बात समझ आ गई कि सर जब IBC 2016 आया तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से डील करता है। प्राइमरी स्टेज क्या है, इंसॉल्वेंसी, उसके बाद हम कोर्ट में या NCLT के पास जाएंगे तो वो हमें क्या करेगा, बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर देगा। इसके बाद हमें समझ आया कि सर ये चार फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से डील करता है, इसके अलावा कोई और इंसॉल्वेंट होगा तो उसको इस एक्ट में कवर नहीं किया जाएगा। सर ये कोई ओरिजिनल लॉ नहीं है, सर ये ओरिजिनल इनएक्टमेंट नहीं है, इससे पहले भी चारों अलग अलग लॉस थे जिनको कंसोलिडेट कर दिया गया, और कंसोलिडेट करके जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी अमेंड कर दिया गया,
तो हमसे कोई पूछे कि जीएसटी जैसे आया, या मैंने कहा लेबर लॉस को लेके एक ही लॉ आ रहा है, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट को लगा कि इन चारों फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए एक ही कानून होना चाहिए। एम आई क्लियर बेटा? चले आगे। अब देखिए, ये देखिए बेटा, हम इसको क्वेश्चन नंबर वन मार्क कर सकते हैं। मेरी बात को ना बड़े ध्यान से सुनेगा, इसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, राइट। इसका मतलब ये इंसॉल्वेंसी से भी डील करता है और बैंक्रप्सी से भी डील करता है। लेकिन अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, आप लोग जब कंपनी लॉ पढ़ते हो तो कंपनी लॉ के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ते हो, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी का बंद होना, ठीक है बच्चे। जब वाइंड अप हम पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि एक वाइंड अप होता है कंपल्सरी वाइंड अप, जब एनसीएलटी कहता है कि आप अपनी कंपनी को बंद करो, और एक होता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, जब कंपनी अपनी मर्जी से खुद को बंद करना चाह रही है। मैं बात कर रहा हूं वॉलेंट्री वाइंड अप बाय मेंबर्स, मेरी बात सुनिएगा बेटा, वॉलेंट्री वाइंड अप बाय मेंबर्स। सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिएगा इधर ध्यान से। देखिए बेटा, वॉलेंट्री वाइंड अप बाय मेंबर्स जो है ये सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी 2016 के अंदर गिवन है। जब आप आईबीसी के बाद वाइंड अप चैप्टर पढ़ते हो तो उसके अंदर मैं पढ़ाता हूँ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स, तो उसमें बोलता हूँ बेटा सेक्शन 59 कंपनी के मेंबर्स अपनी कंपनी को वॉलेंटरिली बंद करना चाह रहे हैं, इसके लिए कंपनी लॉ में प्रोविजन नहीं दिए गए। कहाँ दिए गए? आईबीसी के अंदर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आईबीसी इंसॉल्वेंसी से भी डील करता है, आईबीसी बैंक्रप्सी से भी डील करता है, और इसके अलावा जो आईबीसी है वो वाइंड अप से भी डील करता है। याद रखिएगा ये बात। सर आईबीसी में तीन चीजें आती है, इंसॉल्वेंसी भी आती है, बैंक्रप्सी भी आती है, और वाइंड अप भी आता है। इसका मतलब अगर कंपनी ने, कंपनी के मेंबर्स है रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, इन कंपनीज के मेंबर अपनी रजामंदी से, या मैंने और मेरी वाइफ ने कंपनी बनाई अमितपुरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, और हम दोनों अपनी मर्जी से कंपनी को बंद करना चाहते हैं, तो हम लोग कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे? सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी। तो इससे हमें पता चलता है कि आईबीसी 2016 सिर्फ और सिर्फ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से डील नहीं करता, इसके साथ साथ ये लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप से भी डील करता है। याद रहेगी बच्चे ये बात, क्लियर है? देखिए क्या कह रहा हूं मैं यहां पे, देखिए देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है सर, बिल्कुल है सर। ये पब्लिश हुआ था 28 मई को नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में, NIOGI में, 28 मई 2016 को गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिया था और बोला था कि अब आईबीसी 2016 इफेक्टिव हो गया है। मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, कहता है सर आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी से डील करता है, बिल्कुल करता है सर, बैंक्रप्सी से डील करता है, बिल्कुल करता है, और सर ये लिक्विडेशन से भी डील करता है। आई होप आपको तीनों का मतलब क्लियर हो चुका है। इंसॉल्वेंसी जब हमारी एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, एंड वी आर अनेबल टू पे, वी आर रनिंग शॉर्टेज ऑफ कैश इन हैंड्स, वी डू नॉट हैव कैश एट बैंक एज वेल, हमारे पास कोई पैसे, कोई एसेट्स हमारी है ही नहीं, और बहुत कम है, और लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और जब हम कोर्ट में जाते हैं और इंसॉल्वेंट आदमी कोर्ट में जाता है तो कोर्ट या NCLT जब डिक्लेयर कर देता है कि हाँ ही इज रनिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स, आपने कभी सुना होगा ही विल पे 10 पैसा आउट ऑफ 1 रुपी, 20 पैसा आउट ऑफ 1 रुपी, तो कोर्ट या NCLT ये परसेंटेज कैसे निकालता है? वो देखता है कि यार अमित आपकी जो एसेट्स है वो है 2 करोड़ की, आपकी जो लाइबिलिटीज है वो है 10 करोड़ की, मतलब योर एसेट्स आर 20% ऑफ योर लाइबिलिटीज, तो यू विल पे 20 पैसा आउट ऑफ 1 रुपी टू everyone, यस और नो? ऐसा ही होता है। तो कहने का मतलब हमें समझ आ गया कि आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से डील करता है, इसके साथ साथ ये लिक्विडेशन या वाइंड अप से भी डील करता है, जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कंपनी को हमने वॉलेंटरली वाइंड अप करना है बेटा, तो वो कंपनी एक्ट से नहीं होती, वो आईबीसी के सेक्शन 59 से होती है, जो हम वाइंडिंग अप चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चे? और आगे कह रहा है सर ये किसकी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी या लिक्विडेशन से डील करता है? इंडिविजुअल्स की, फर्म्स की, LLP की या कंपनी की? ये चारों चीजें हमें पता है बेटा, राइट? इंडिविजुअल, फर्म, LLP एंड कंपनी। तो कहने का मतलब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चार्ट की बात करें, तो आई होप हम सबको क्लैरिटी मिल गई कि आईबीसी जो है 28 मई 2016 को नोटिफाई हुआ था, इसके अंदर इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन आता है, किसका? इंडिविजुअल का, पार्टनरशिप फर्म का, LLP का एंड कंपनी का, राइट बच्चे? शैल वी प्रोसीड? अब देखिए बेटा, इसमें लिखने वाला कुछ भी नहीं है, सुनने वाला बहुत बहुत ज्यादा है, तो आप 100% ध्यान यहां पर देंगे प्लीज ऑल ऑफ यू। देखिए
यहाँ पर कह रहे हैं सर ये बताइए जब आईबीसी आया तो हम बार बार बोल रहे हैं आईबीसी आया टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज, यही बात मैं बोल रहा हूँ कि आईबीसी आने से क्या हुआ, उन चारों से रिलेटेड जो भी लॉ थे, किन चारों से, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एंड कंपनी, इन चारों से रिलेटेड जो भी इंसॉल्वेंसी लॉज थे सबको कंसोलिडेट किया गया और जो भी नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड थे, ऐसा नहीं है कि खाली कंसोलिडेट करके उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसमें जो भी नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड थे, जो भी नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड थे वो करने के बाद उसको बना के नोटिफाई कर दिया गया। इसका मतलब आईबीसी जब आया तो इससे पहले भी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड लॉस थे, इसके बाद भी है, अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के लिए अभी भी है, लेकिन इसीलिए इसको कोड बोला जाता है। लेकिन सर इन चारों को पहले हमने कंसोलिडेट किया और उसके बाद जो नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड थे वो करके अमेंड हो गया। अमेंड होने के बाद इसे हमने नोटिफाई कर दिया। कब नोटिफाई हुआ? 28 मई 2016 को नोटिफाई हुआ, राइट बच्चे? अब सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा सर ये जब एक्ट आया तो इसका एग्जिस्टिंग लॉस पे क्या फर्क पड़ा? देखिए कहता है ये आने से ये तीन एक्ट्स जो है ये खत्म हो गए, ये आने से ये तीन लॉस खत्म हो गए। ध्यान से सुनेगा, मतलब आज के टाइम में ये तीनों एक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते। कहता है सिका, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ प्लीज समझिएगा। पहले क्या होता था, पूरी अगर हम बात समझे तो पहले क्या होता था, अगर आपने कभी सुना हो, जो जैसे एक कंपनी है, देखिए एक कंपनी है वो फाइनेंशियली हेल्दी कंपनी है, तो वो कंपनीज एक्ट से गवर्न की जाती थी, कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न की जाती थी, या इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 होता था उससे गवर्न की जाती थी। लेकिन अगर एक कंपनी फाइनेंशियली सिक हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, तो वो सीका 1985 से गवर्न की जाती थी। सर सीका, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक बॉडी होती थी, आपने कभी बचपन में सुनी होगी, बाइफर, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, या कभी आपने सुना होगा ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो बाइफर एक बॉडी थी, कहने का मतलब क्या हुआ, जब एक कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी हुआ करती थी तो इसका मतलब कि वो गवर्न होती थी कंपनी वैक से, जैसी वो फाइनेंशियली सिक होती थी तो वो कंपनी वैक की जगह सिक इंडस्ट्रियल कंपनी वैक में चली जाती थी, जहां पर बाइफर जो है वो सोल अथॉरिटी होती थी। अगर आपने कभी कंपनी लॉ पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में रीजनल डायरेक्टर होता है, आरओसी होता है, इसके अलावा एमसीए होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है, इसके अलावा हमारे आरडीज होते हैं, रीजनल डायरेक्टर, आरओसी, एमसीए, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स होती है, एनसीएलटी होता है, नेशनल कंपनी लॉ अपैलेट ट्रिब्यूनल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिका की, तो जब सिका के अंदर चले गए तो एक ही बॉडी होती थी बाइफर, बाइफर के अलावा कोई और बॉडी नहीं थी। सारी की सारी जो पावर्स होती हैं, जो अलग अलग अथॉरिटीज को कंपनी एक्ट में होती है, वो सारी पावर्स मर्ज होकर किसके पास चली जाती थी, बाइफर के पास। लेकिन अब नए कंपनी एक्ट जब आया उसके बाद आईबीसी आ गया, तो आईबीसी आने के बाद सिका रिप्लेस हो गया, या आप ऐसे समझ सकते हो कि जो सिका है 1985 वाला, ये बना हुआ था कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से। जब कंपनी एक्ट 2013 आया तो ऑब्वियस सी बात थी कि जो उसके सिक इंडस्ट्रीज का लॉ है उसको भी चेंज करने की जरूरत पड़ी, आप ऐसे कह सकते हो। देखिए अगर मैं ऐसे कहना चाहूँ सर, 1956 वाला जो कंपनी एक्ट था इससे रिलेटेड था 1985 वाला सिका, लेकिन जब ये रिप्लेस होके 2013 वाला आ गया तो ये 2013 वाले से मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए इसको भी चेंज करके यहाँ पर 2016 वाला आईबीसी ला दिया गया, आप ऐसे भी बोल सकते हो, राइट बच्चे? तो आईबीसी क्यों आया? सिंक्रनाइज करने के लिए आया। किसके साथ सिंक्रनाइज करने के लिए आया? कंपनीज एक्ट 2013 के साथ। बट एनी हाउ इतना हमें समझ आया कि सर पहले सीका 1985 होता था, आईबीसी 2016 आने से वो खत्म हो गया, क्लियर है बच्चे? आज के टाइम में भी वही रूल है। देखिए पहले कंपनीज गवर्न होती थी 1956 वाले एक्ट से और सिक कंपनीज होती थी 1985 वाले एक्ट से, अभी भी वही है, कंपनीज गवर्न होती है 2013 वाले एक्ट से और सिक कंपनीज होती है आईबीसी 2016 के अंदर, राइट बच्चे? देखिए ये जो दो एक्ट्स हैं, ये दोनों के दोनों एक्ट्स इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी से डील करते थे। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 या प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, ये दोनों के दोनों इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी से डील करते थे। इनको भी खत्म कर दिया गया क्योंकि आज के टाइम में इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी भी किससे गवर्न होती है? सर इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी गवर्न होती है हमारी आईबीसी 2016 के अंडर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तीन एक्ट खत्म हो गए सर, एक सिका खत्म हो गया, एक इंसॉल्वेंसी 1920 खत्म हो गया, एक प्रेसिडेंशियल इंसॉल्वेंसी जो प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी 1909 है ये भी खत्म हो गया।
क्लियर है जी। तो आईबीसी 2016 आने से तीन लॉ खत्म हो गए। आगे सुनिए, कहते हैं सर ये तीन लॉ तो खत्म हो गए लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लॉज हैं जो खत्म नहीं हुए लेकिन अमेंड हो गए। देखिए इधर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता खत्म नहीं हुआ लेकिन इसमें से जो इंसॉल्वेंसी वाले प्रोविजन थे उनको डिलीट कर दिया गया। LLP एक्ट खत्म नहीं हुआ, इंसॉल्वेंसी को डिलीट कर दिया गया। कंपनी एक्ट 2013 खत्म नहीं हुआ, इंसॉल्वेंसी को डिलीट कर दिया गया। मतलब ये तीनों की अगर हम बात करें, पार्टनरशिप, LLP और कंपनी एक्ट, ये खत्म थोड़ी हुए। आज भी पार्टनरशिप एक्ट है, LLP एक्ट है, कंपनी एक्ट है, सारे के सारे प्रोविजन हम उसके फॉलो करते हैं लेकिन उसमें जो लिक्विडेशन के या उसमें जो इंसॉल्वेंसी के प्रोविजन थे उनको डिलीट कर दिया गया। और डिलीट करके कहाँ डाल दिया गया अगर हम बात करें तो डिलीट करके IBC 2016 में डाल दिया गया। इसको बेटा मैं अपनी लैंग्वेज में देखिए ऐसे भी कह सकता हूँ, सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, LLP, कंपनी, इसके अंदर दो बातें थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, इसकी वर्किंग को लेके और इसकी इंसॉल्वेंसी को लेके। LLP में भी दो बातें थी, इसकी वर्किंग को लेके, इसकी इंसॉल्वेंसी को लेके। कंपनी में भी दो बातें थी, इसकी वर्किंग को लेके, इसकी इंसॉल्वेंसी को लेके। तो सर वर्किंग को लेके जो बातें थी वो तो अभी भी वही है लेकिन ये जो इंसॉल्वेंसी वाली बातें थी इन तीनों को उठा के IBC 2016 में डाल दिया गया और यहाँ से ये तीनों चीज़ें हटा दी गई। इसका मतलब कंपनीज एक्ट आज के टाइम में कंपनी की इंसॉल्वेंसी से डील नहीं करता, LLP एक्ट LLP की इंसॉल्वेंसी से डील नहीं करता, पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप की इंसॉल्वेंसी से डील नहीं करता। इन तीनों चीज़ों को वहां से डिलीट कर दिया गया। जब डिलीट कर दिया गया इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ को ऑल्टर कर दिया गया, एग्जिस्टिंग लॉज को अमेंड कर दिया गया। राइट बच्चे? तो अगर हमसे कोई पूछे मेन बात तो सर तीन एक्ट जो है वो रिपील हुए और तीन एक्ट जो है वो अमेंड हुए। रिपील कौन कौन से हुए? सीका 1985 रिपील हो गया, इसके अलावा एक प्रेसिडेंसी टाउन 1909, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी 1920। अमेंड कौन कौन से हुए? सर LLP, पार्टनरशिप और कंपनी अमेंड हो गए। राइट बच्चे? क्लियर है? अब देखिए इसके अलावा और कौन कौन से एक्ट अमेंड हुए हैं। देखिए कहते हैं सर इसके अलावा और भी बड़े सारे एक्ट अमेंड हो गए। रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993। सुनिएगा बड़े ध्यान से बेटा जो मैं कह रहा हूँ। ये दो एक्ट होते हैं, एक होता है रिकवरी ऑफ डेट और एक होता है सरफासे। सरफासे की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटाइजेशन एंड, ध्यान से समझेगा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, SAR, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट, ये दोनों जो एक्ट है ये CA, CS एंड CMA को फाइनल में पढ़ाए जाते हैं। आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे अगर आप CA या CMA के बच्चे हैं फाइनल के, तो इसका मतलब मैं आपको इसकी भी रिकॉर्डिंग्स दूंगा। और अगर आप CS के बच्चे हैं तो आप फाइनल में जाके इसको पढ़ेंगे। एक्चुअली में CS इंस्टीट्यूट जो है वो IBC जो है वो इंटर के अंदर पढ़ाता है, फाइनल में नहीं पढ़ाता, जबकि CA और CMA इंस्टीट्यूट IBC भी फाइनल में पढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से IBC के साथ सरफासे एक्ट पढ़ाना चाहिए, तीन एक्ट एक साथ पढ़ाने चाहिए, इनफैक्ट चार एक्ट, IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसके अलावा हम बात करते हैं आपकी IBC के बाद सरफासे, सरफासे के बाद रिकवरी, रिकवरी के साथ वाइंड अप, ये चारों चैप्टर्स एक साथ पढ़ाने चाहिए। लेकिन ठीक है CA और CMA इंस्टीट्यूट ये चारों एक साथ पढ़ाते हैं, CS इंस्टीट्यूट ये गलती करता है कि वाइंडिंग अप एंड IBC इंटर में पढ़ाता है और सरफासे और रिकवरी फाइनल में पढ़ाता है। याद रखिएगा ये दो एक्ट्स हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, नाम क्या है, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1993, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट। ये चैप्टर क्या है ये हम बाद में कभी पढ़ेंगे जब आएगा, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता देता हूँ, जब आप अपना घर या गाड़ी किश्तों पर लेते हो बैंक से, आप बैंकर के पास जाते हो, देखो ऐसा होता क्या जनरली, एक इंसान जब गाड़ी लेता है लोन पे तो क्या करता है, वो मारुति कंपनी के पास जाता है, मारुति कंपनी को जाके बोलता है कि ये गाड़ी लेनी है मुझे, बनीनो कितने की है, 9 लाख रुपए की, ठीक है 4 लाख रुपए मैं दूंगा, 5 लाख रुपए मैं बैंक से लोन लेके आपको दिलवा दूंगा, मारुति को 9 लाख रुपीज मिल जाते हैं, यही होता है। लेकिन जो बैंकर है उसने हमारे भी आप पे मारुति को 5 लाख रुपए दिए और हम EMI इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो किसको पे करना शुरू कर देते हैं, मारुति का उसको बैंकर को, है ना, मारुति को तो 9 लाख रुपए मिल गए, 4 हमने दिए, 5 बैंकर ने दिए, यस और नो? अब हमने किस्तें पे करनी है, किसको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, मारुति को या बैंकर को? सर बैंकर को। जब हम बैंकर को किस्तें पे नहीं करते हैं तो बैंकर को राइट होता है वो हमारी गाड़ी उठा के ले जाएगा और उसको बेच देगा, यस और नो?
अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करोगे तो बैंकर आएगा और आपकी गाड़ी उठा के ले जाएगा। तो ये राइट बैंकर को किसने दिया? ये राइट दिया सरफासे एक्ट और रिकवरी ऑफ डेट ने। आप देखो नाम से पता चल रहा है रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपने बैंकर का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेट देना था, आपने नहीं दिया, तो वो खुद रिकवर कर रहा है। और सरफासे की फुल फॉर्म क्या है? सरफासे सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ बेटा, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी। सुनिएगा ध्यान से, आपने मेरे बैंक से लोन लिया, आपने गाड़ी खरीदी, मेरे बैंक से लोन लिया, अब आपने क्या किया, उस लोन को रीपे नहीं किया। मैं तीन महीने तक 90 डेज तक आपकी वेट करता हूँ। जनवरी का चेक बाउंस हो गया, फरवरी का चेक बाउंस हो गया, मार्च का चेक बाउंस हो गया, 3 महीने के बाद आप मेरे लिए NPA बन जाते हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आई रिपीट, आपने मेरे बैंक से गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया और आप वो गाड़ी चला रहे हो, लेकिन वो गाड़ी मेरे पास एज अ सिक्योरिटी है, यूज़ आप कर रहे हो लेकिन एज अ सिक्योरिटी वो मेरे पास है। कल को अगर आप नहीं देते हो पैसे तो मैं गाड़ी उठा के बेच सकता हूँ, लेकिन मैं कब तक, मैं बैंकर कब तक आप पे एक्शन नहीं ले सकता बेटा। पहली बात सुनिएगा ध्यान से, आपका चेक बाउंस हुआ तो बैंकर 90 डेज तक कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सरफासे एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंकर क्या करेगा, 90 डेज तक वेट करेगा, क्योंकि 90 डेज तक आपकी एसेट NPA नहीं हो जाती, उसके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो 90 डेज के बाद NPA हो जाएगी, मतलब उस एसेट से कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा, मतलब बैंकर को उस एसेट से कोई पैसे नहीं मिल रहे। क्लियर है बच्चे? जब NPA हो जाती है उसके बाद वो 60 डेज का आपको नोटिस देता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं गाड़ी उठा के ले आऊंगा। तो मतलब बैंकर आपको कितना टाइम दे रहा है, 150 डेज, 90 डेज NPA होने के, 60 डेज उसके बाद नोटिस दे रहा है। सुनिएगा ध्यान से, 150 डेज हो गए आपने पैसे पे नहीं किए। अब बैंकर के पास दो ऑप्शन है, खुद गाड़ी उठा के लाए और गाड़ी उठा के ला के खुद उसको बेच दे, पहली बात, मतलब गाड़ी उठा के लाए और उसको बेच के पैसे वसूल कर ले, पहली चीज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, बैंकर खुद गाड़ी नहीं उठाता, बैंकर बाहर से किसी आउटसाइडर को, थर्ड पार्टी को बुलाता है, जिसको हम बोलते हैं SCRC, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। उन्हें कहता है कि ये मेरे चार गाड़ी के लोग हैं, इन चारों ने मुझे किस्तें पे नहीं करी है, आप मुझे पैसे दो, गाड़ी आप उठा लो, गाड़ी आपकी हो गई। इसका मतलब जब बैंकर खुद अपनी, मेरी बात सुनेगा, जो बैंकर के लिए बैड एसेट्स है, बैड एसेट्स मतलब जो परफॉर्म नहीं कर रही, NPA है, बैंकर उन्हें खुद भी उठा के ला सकता है या खुद उठा के लाने की जगह किसी और को बेच सकता है, बोल सकता है SCRC सिक्योरिटाइजेशन कंपनी एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देता है, बोलता है पैसे दे दो मुझे इतने, गाड़ियां आपकी, जो करना उसका करो, जो प्रॉफिट वो सब आपका। इसका मतलब ये कि सरफासे एक्ट 2002 बैंकर को राइट देता है, जब आप बैंकर को पैसे पे नहीं करते हो तो बैंकर खुद गाड़ी उठा के ले आए, या खुद उठाने की जगह खुद उठा के ना लाए, बैंकर किसी और को ट्रांसफर कर दे, उससे पैसे ले ले, फिर उसके बाद वो थर्ड पार्टी जो SCRC है वो जाने, या गाड़ी वाला जाने, वो अपने आप उसकी गाड़ी उठाएगी, प्रॉफिट पे बेचेगी। याद रखिएगा एक चीज़ को, बैंकर खुद गाड़ी उठा के ला रहा है और बेच रहा है तो मुनाफा सारा बैंकर का है, लेकिन अगर बैंकर ने SCRC से पैसे ले लिए, अब गाड़ी उठा के कौन ला रहे हैं, SCRC, और इसीलिए अगर कोई भी प्रॉफिट होगा वो भी किसका होगा, उन्हीं कंपनीज का होगा, उनको फुल फॉर्म में बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन कंपनी एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बट एनी हाउ हमें इतना याद हो गया कि सर 5 एक्ट्स कौन कौन से अमेंड हुए हैं, पार्टनरशिप एक्ट अमेंड हुआ, LLP एक्ट अमेंड हुआ, कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ, रिकवरी ऑफ डेट अमेंड हुआ, सरफासे एक्ट 2002 अमेंड हुआ। सरफासे को इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताया जा सकता, जब हम सरफासे एक्ट 2002 पढ़ते हैं तभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए आगे कह रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। अब ये सारे टैक्सेशन से रिलेटेड है, देखो फिनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट और कस्टम्स एक्ट, ये सारे के सारे जो एक्ट्स है इन सबको अमेंड कर दिया गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर हम बात करें पहले डायग्राम्स की, अपने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो हमें समझ आ गया कि सर ये जो एक्ट है IBC 2016, ये इंसॉल्वेंसी, मेरे साथ साथ याद भी हो जाएगा आपको, 100% ध्यान याद देना आपको, आपको लगेगा सर बार बार एक ही चीज़ रिपीट क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको याद हो जाए। पहली चीज़ सर, इस एक्ट का मेन मोटिव क्या है, ये एक्ट किससे डील करता है, इंसॉल्वेंसी से भी डील करता है, बैंक्रप्सी से भी डील करता है, और वाइंड अप या लिक्विडेशन से भी डील करता है। सर किसका, इंडिविजुअल का, पार्टनरशिप फर्म का, LLP का या कंपनी का। सर ये आने से क्या हुआ, 3 एक्ट अमेंड हुए, 3 एक्ट रिप्लेस हुए, रिपील हो गए, बाकी सब अमेंड हो गए। 3 कौन कौन से है, एक प्रेसिडेंसी टर्म्स 1909, एक आपका हो गया इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, और एक हो गया सीका 1985। अमेंड कौन कौन से हुए, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम, ये सब अमेंड हुए, इसके अलावा पेमेंट एंड सेटलमेंट अमेंड हुआ। आप ऐसे समझो, पहले 3 तो सिंपल है, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी, इसके बाद 3 रिकवरी से रिलेटेड है, रिकवरी ऑफ डेट, सरफासे एंड पेमेंट
एंड सेटलमेंट एक्ट, इसके बाद कौन कौन से टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज एंड फाइनेंस, खत्म होगी बात। तीन है फॉर्म ऑफ बिजनेस के, तीन है रिकवरी के, और चार है टैक्सेशन के। फाइनेंस एक्ट अमेंड हुआ, इसके अलावा फाइनेंस एक्ट मतलब बजट अमेंड हुआ 1994 वाला, जिसमें आया था ये सबसे पहले इंसॉल्वेंसी को लेके लॉ आए थे। इसके अलावा फाइनेंस एक्ट के अलावा एक्साइज हुआ, कस्टम हुआ एंड इनकम टैक्स 1961 हो गया। डन बच्चे, क्लियर है? तीन इधर है, दस इधर है, उसमें से पहले तीन किसके हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के, अगले तीन किसके हैं रिकवरी के, अगले चार किसके हैं टैक्सेशन के। डन बच्चे, चले आगे। अब देखिए, कहता है सर इसकी विजन क्या थी, आईबीसी 2016 की विजन क्या है। देखो विजन से पहले ना कुछ अच्छी चीजें बताता हूँ, इधर सुनिएगा ध्यान से, एक चीज सुनिएगा बेटा। अब मैं इसकी ना आपको स्कीम समझाता हूँ, पहले विजन को छोड़ो, अभी पहले हम इसकी स्कीम पे आते हैं, सुनना। इसकी पूरी जो स्कीम है आईबीसी का, जो पूरा रोड मैप है, मैं यहाँ पर रोड मैप वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, मैं आपको ना इसका रोड मैप समझा रहा हूँ, सुनिएगा। एक्चुअली आईबीसी 2016 है क्या, अभी ना हम जैसे जैसे इसको आगे पढ़ेंगे ना बेटा, एक एक चार्ट में, एक एक टॉपिक के अंदर हमें ना एक, यू कैन से, एक नई चीज पता चलती जाएगी। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, सुनिए। एक कंपनी है, मान लो फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड, देखिएगा इधर एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी के क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी से पैसे लेने हैं, ठीक है, और क्रेडिटर्स को कंपनी पैसे नहीं दे रही। अब ये क्रेडिटर्स चले जाते हैं एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास, ठीक है। इधर देखिए, क्रेडिटर्स चले जाते हैं एनसीएलटी के पास कि माय लॉर्ड ये कंपनी है, ये कंपनी हमें पैसे पे ऑफ नहीं कर रही है, आप प्लीज इस कंपनी को बंद कीजिए और बंद करके हमें हमारे पैसे दिलवा दीजिए। सिंपल सी बात है, आई रिपीट, क्रेडिटर्स कहाँ जाते हैं एनसीएलटी के पास। सुनिएगा इधर, पहले क्रेडिटर्स ने क्या किया, क्लेम किया अपना पैसा ए लिमिटेड से। जब ए लिमिटेड ने पे ऑफ नहीं किया तो उन्होंने जाके एप्लीकेशन डाल दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के लिए, कहाँ डाल दी, एनसीएलटी के पास। अब सुनिए, एनसीएलटी कहता है कि मैं इस कंपनी को बंद कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा 180 डेज के अंदर। अगर 180 दिन के अंदर इस कंपनी को बचाने के लिए कोई नहीं आया तो मैं इस कंपनी को वाइंड अप का ऑर्डर दे दूंगा। सुनिएगा बड़े ध्यान से, फिर क्या होगा, मान लो ये ए लिमिटेड जो है इसमें बी लिमिटेड इंटरेस्टेड है, बी लिमिटेड को लगता है कि यार ए लिमिटेड जो है इसको मैं खरीद के अपनी सब्सिडरी बना सकता हूँ या इसको मैं रिवाइव करके अपने में मर्ज कर सकता हूँ। तो बी लिमिटेड क्या करेगा, बी लिमिटेड एनसीएलटी के पास जाएगा और इसको बोलेगा जी मैंने इसको बचाने के लिए ये प्लान बनाया है, रेजोल्यूशन प्लान, इसको बचाने के लिए मैंने ये प्लान बनाया है, मतलब माय लॉर्ड इसको बंद मत करो, इसके जो क्रेडिटर्स है ना उनको मैं पे ऑफ कर देता हूँ, क्रेडिटर्स को पैसा मिल जाएगा, ए लिमिटेड का पैसा उधार मैं चुका दूंगा, फिर ए लिमिटेड की मैनेजमेंट आप मेरे को देखो, देखो मैं कैसे इसे प्रॉफिट में लाके अपने साथ मर्ज कर लूंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई क्रेडिटर्स को पैसे नहीं मिलते वो एनसीएलटी के पास जाते हैं, एनसीएलटी 180 डेज का टाइम देगी, 180 डेज में कोई भी फरिश्ता आ सकता है, कोई भी व्हाइट नाइट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, व्हाइट नाइट, WHITEKNIGHT, व्हाइट नाइट फरिश्ता कह लो, आएगा। अगर किसी कोई इंटरेस्टेड है उस कंपनी को बचाने में तो वो रेजोल्यूशन प्लान अपना सबमिट करेगा, वो रेजोल्यूशन प्लान अगर क्रेडिटर्स को पसंद आ गया तो एनसीएलटी बोलेगा ठीक है, क्रेडिटर्स मेरे पास आए थे कि कंपनी को बंद करो, अब आप प्लान लेके आए और क्रेडिटर्स उससे खुश हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम कंपनी को रिवाइव कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये एनसीएलटी पे डिपेंड करता है, इधर देखिएगा मेरी बात, ये एनसीएलटी पे डिपेंड करता है कि वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करेगा या रिवाइवल का ऑर्डर पास करेगा। तो कहने का मतलब आपको आई होप इससे एक आइडिया जरूर मिला कि सर इसमें क्या होता है। पहली बात, क्रेडिटर्स ने कंपनी से पैसे मांगे, कंपनी पैसे पे नहीं कर पा रही है, फिर क्रेडिटर्स एनसीएलटी के पास चले गए कि माय लॉर्ड आप इसे बंद कर दीजिए, तब 180 दिन देता है एनसीएलटी, न्यूज़पेपर वगैरह में एनसीएलटी डालता है कि मेरे पास लोग आए हैं और लोग इस कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं, मैं 180 डेज का टाइम दे रहा हूँ, अगर कोई बचाने आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस कंपनी को बंद कर दूंगा, और अगर कोई बचाने के लिए आता है तो वो अपना रेजोल्यूशन प्लान लेके आता है, अगर वो रेजोल्यूशन प्लान सही है, सब कुछ ओके है, क्रेडिटर्स हाँ कर देते हैं तो कंपनी रिवाइव करेगी, और अगर वो रेजोल्यूशन प्लान क्रेडिटर्स को समझ नहीं आता, वो बोलते हैं बेकार है, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, ना हमें पैसे देंगे ना कुछ करेंगे, सिर्फ कंपनी और टाइम बाय कर रही है,
या ये तो कंपनी, ये हमें इनका प्लान समझ नहीं आया या हम इससे अग्री नहीं करते, तो एनसीएलटी कहेगा ठीक है यार छोड़ो, बी लिमिटेड सॉरी आप जाओ, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। इसलिए देखो मैंने दोनों पे 4 और 4 लिखा है, या रिवाइवल होगा या वाइंड अप होगा, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब एक चीज, अभी हम पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में, डायग्रामेटिकली भी और थ्योरी में भी, लेकिन इतना हमें समझ आ गया कि अगर कभी भी हम कंपनी से पैसे ले रहे हैं और कंपनी पैसे नहीं दे रही है, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनसीएलटी के पास जाएंगे, एनसीएलटी 180 डेज का टाइम देगी। ये 180 डेज वाली जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये सेक्शन नंबर 12 में लिखी हुई है, जो 180 डेज वाली मैं बात बोल रहा हूँ ये सेक्शन नंबर 12 में लिखी हुई है कि 180 डेज का टाइम दिया जाएगा। और अगर कल को क्रेडिटर्स बोले 75% क्रेडिटर्स की कंसेंट हो, तो 90 डेज और एक्सटेंड हो जाएंगे। मतलब जनरली 180 डेज का टाइम है, और अगर और टाइम चाहिए थोड़ा सा क्रेडिटर्स, क्योंकि ऑब्जेक्शन किसको है, क्रेडिटर्स को, पैसे किसने लेने हैं, क्रेडिटर्स ने। अगर कल को बी लिमिटेड कहती है माय लॉर्ड हम बहुत अच्छा प्लान बना रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये जो प्लान है ना, इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा बनने में, तो अगर एनसीएलटी कहता है क्रेडिटर्स से पूछ लो, अगर क्रेडिटर्स कहते हैं हाँ माय लॉर्ड ऑल 90 डेज दे दो, तो इसका मतलब 180 दिन प्लस 90 दिन 270 दिनों के अंदर अंदर डिसाइड हो जाएगा कि कंपनी बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, इधर हम आपको वाइंड अप कर दें या हम आपको रिवाइव का ऑर्डर दे दें। ये किस पे डिपेंड करता है, एनसीएलटी पे डिपेंड करता है। लेकिन एनसीएलटी कुछ अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाता, एनसीएलटी सिर्फ ये देखता है कि जो क्रेडिटर्स हैं वो खुश है या नहीं है। अगर क्रेडिटर्स हाँ करते हैं, रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करते हैं तो रिवाइवल, अगर वो रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव नहीं करते हैं तो वाइंड अप हो जाएगा। सिंपल, ये डायग्राम थोड़ा सा समझ आया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है कि सर आईबीसी आया क्यों था। देखिए कहता है आईबीसी आया था कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए लॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी को। ये बात तो समझ आ गई हमें, डन। अब देखिए, तो कहने का मतलब है कि सर ये एक्ट आया क्यों था, ये तो पता चल गया कि आने से कंसोलिडेट हुए और अमेंड हुए, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, पर सर ये एक्ट आया क्यों था। अब बेटा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इंडिया में एक प्रॉब्लम है, सुनिए, इंडिया में और इंडिया के बाहर एक बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस है, मेरी बात को सुनिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। बेटा स्टीव वॉजनाइक, मैं एक वर्ड नाम यूज कर रहा हूँ, स्टीव वॉजनाइक, स्टीव वॉजनाइक कौन है, ये सीईओ है एप्पल के, एप्पल कंपनी के सीईओ है। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद, इन्होंने एज अ सीईओ टेक ओवर किया। इन्होंने ना एक बात बोली थी, इन्होंने बोला था इंडिया लैक क्रिएटिविटी, और वी कैन से इंडियंस लैक क्रिएटिविटी। इन्होंने बोला था, इन्होंने एक लाइन बोली थी कि यहाँ पर इंडिया में जिसके 12th क्लास में 95 मार्क्स आते हैं इंग्लिश में, वो बंदा भी इंग्लिश मूवी नहीं देख पाता बिना सबटाइटल्स के, बिना नीचे इंग्लिश में लिखे हुए। या उन्होंने एक बात और बोली थी कि सर इंडिया में बच्चा 12th क्लास में बीकॉम मतलब कॉमर्स फील्ड लेता है, 11th 12th में कॉमर्स पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसको इतना नहीं पता होता कि बैंक में जाके चेक कैसे जमा कराना है, चेक कैसे डिपॉजिट करना है। जबकि हमारे यहाँ पर, उन्होंने ये बोला, हमारे यहाँ पर 18 साल की उम्र में बच्चे कई बार बिजनेस शुरू करके इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुके होते हैं। उनकी ये वर्डिंग्स थी, बच्चे कई बार बिजनेस शुरू करके इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुके होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, बाहर के जो लोग हैं उन्हें फेलियर से शर्म नहीं आती, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कैनेडा हो, चाहे वो लंदन हो। वहाँ पर क्या होता है, बच्चे जो हैं वो 14 साल के बाद काम करना शुरू करते हैं। वहाँ पर आप जानते हो कि बच्चे जो हैं वो अपने लिए खुद अर्न करते हैं, और जब वो बिजनेस करते हैं और अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो दे फील वेरी फ्री, उनके लिए कोई शर्म की बात नहीं है, वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं कि हम जाएंगे कोर्ट में और हम बोलेंगे जी हमने बिजनेस किया था, हमें ये घाटा हो गया और हम अब पैसे नहीं पे कर पा रहे, आप प्लीज़ हमें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो। तो जो भी फाउंडर्स थे या जो भी फंडर्स थे जिन्होंने पैसा फंड किया था हमें, उनको बोलेंगे कि भैया ठीक है अब इतना परसेंटेज ले लो, क्योंकि देखो अगर प्रॉफिट होता बिजनेस में तो भी आपका होता, अगर लॉस होगा तो वो भी आप ही को बियर करना पड़ेगा। और फिर वो जो बच्चा है वो हिम्मत नहीं हारता और फिर वो बच्चा नए बिजनेस में जाता है, नई जगह पे इनोवेट करता है, नया बिजनेस करता है, वो भी चलेगा तो ठीक है, नहीं तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा दोबारा से। कहने का मतलब वो लोग इंसॉल्वेंसी को गलत नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि हमने एक अटेम्प्ट किया नया बिजनेस करने का, हमने एक एंडेवर लिया, हमने एक क्रिएटिविटी की कोशिश करी, ठीक है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, फेल हो गई, क्या हो गया, चलो कोई दोबारा से हम कोशिश करेंगे। तो ऐसी ही सोच इंडियंस की हो, इंडियंस को इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करने में अपने आप को शर्म ना आए,
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका मेन मोटिव था टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। अब आप बोलोगे सर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने का क्या मतलब है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि नए नए लोग आए और अगर वो उनको लगता है कि हमें घाटा हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारा घर वगैरह ना बिक जाए, तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाए ताकि कल को अगर वो पे नहीं कर पाते हैं तो उनकी जो पर्सनल एसेट्स हैं वो सेफ रहे, और जो जिन्होंने फंड्स दिए थे, जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने उनके बिजनेस में पैसा लगाया था, उन लोगों को लॉस बियर किया जाए, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो जाए। इंसॉल्वेंट होना कोई बहुत ज़्यादा गलत बात नहीं है। एक चीज़ और, जब आईबीसी की हम बात, ये तो हो गया न्यू जनरेशन को, नए बच्चों को एनकरेज करने के लिए, लेकिन अगर हम इसी के साथ बात करें, अगर आईबीसी आया तो आईबीसी आने से जब क्रेडिटर्स पैसे मांगते हैं, देखें यहाँ पर जब क्रेडिटर्स ने पैसे मांगे, एप्लीकेशन दी कि माय लॉर्ड इसको बंद कर दो, तो कोई ना कोई बचाने के लिए तो आया ना, रेजोल्यूशन प्लान लेके बी लिमिटेड आई, तो जो बचाने के लिए आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो चाहता है कि इस कंपनी को मैं चलाऊंगा। इसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस माइंड लोगों का बढ़ेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब, मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज कि सर जब हम आईबीसी की बात करते हैं तो आईबीसी आने से जो कंपनी बंद हो रही है उसके लिए भी नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, और वैसे भी नए नए लोग बिजनेस प्लान लेके आएंगे, उन्हें पता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बिजनेस प्लान नहीं चलता है तो हम अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेंगे, कोर्ट से जाके बैंक्रप्सी डिक्लेयर करवाएंगे, जितना हम लोगों को पे कर सकते हैं हम करेंगे। ठीक है, हमारा एक अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, हम फेल हो चुके हैं, अब हम दोबारा से नई कोशिश करेंगे। यस और नो? बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम अब्रॉड की बात करते हैं, इंडिया के बाहर की बात करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिजनेस चलता है। अगर हम बात करें तो मार्क जकरबर्ग जो है, इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेसबुक बनाया एंड ही रिसीव सक्सेस, एक्चुअली ही अचीव सक्सेस एट द एज ऑफ 19 ओनली। लेकिन अगर हम बात करते हैं KFC वाले अंकल की, या हम बात करते हैं बिल गेट्स की, तो इनको बहुत सालों के बाद सक्सेस मिली। बिल गेट्स ने अपनी एक किताब में लिखा हुआ है कि मैंने 11 बार फेलियर प्रोजेक्ट बनाए तब जाके मुझे 12 टाइम में सक्सेस मिली। तो इसका मतलब आईबीसी आने से लोगों का ये डर निकाला गया कि हम इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या होगा, हम पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर आप कोशिश कर रहे हो नया बिजनेस चलाने की, अगर घाटा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दूसरी बात, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट किया गया। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? जब ये बी लिमिटेड बोल रहा है कि माय लॉर्ड क्रेडिटर्स को मैं पैसा दे दूंगा ए लिमिटेड की जगह, तो इसका मतलब क्या है कि बी लिमिटेड जो है वो क्रेडिट दे रहा है ए लिमिटेड पे, हाँ या ना? आप सोचिए ना, जो ए लिमिटेड के क्रेडिटर्स हैं, इस डायग्राम को देखो, जो ए लिमिटेड के ये वाले क्रेडिटर्स हैं, इन क्रेडिटर्स को पे कौन करेगा? बी लिमिटेड। तो इसका मतलब ये एक्ट आने से एक तो कॉन्फिडेंस आता है लोगों में, और दूसरी बात उनको पता है कि अगर कल को मैं क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाया और अगर मेरा बिजनेस अच्छा हुआ, अगर मेरे बिजनेस में कोई और बंदा पैसे लगाने में इंटरेस्टेड हुआ, तो वो मेरे क्रेडिटर्स को भी पे ऑफ कर देगा। और लास्ट में कहता है बैलेंसिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, मतलब स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट बैलेंस हो जाता है। आप सोच के देखो ना, बी लिमिटेड ऐसा भी तो कह सकती है कि जी क्रेडिटर्स को कि आपने ए लिमिटेड से 100 करोड़ रुपया लेना है, आप एक काम करो, मैं 50 करोड़ रुपया आपको दे देता हूँ, बाकी 50 करोड़ के आप मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो। तो कहने का मतलब किसी ना किसी तरीके से वो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करके जो क्रेडिटर्स पैसे क्लेम कर रहे हैं उनके क्लेम को सेटिस्फाई कर देंगे, राइट। एनी हाउ, कहने का मतलब इसका देखो, कहता है इसकी मेन विजन क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े और इनोवेशन बढ़े, मतलब लोग जो है वो नई नई चीज़ें करने से डरे नहीं, राइट। तो इसका पर्पस क्या था सर? कंसोलिडेट किया इसने पुराने इंसॉल्वेंसी एक्ट्स को, उनको अमेंड किया, और सर इसका मेन मोटिव था कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, इंसॉल्वेंसी से डरे नहीं, कुछ नहीं होता इंसॉल्वेंट हो गए तो, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करें, उसे एक्सेप्ट करें, बैंक्रप्सी डिक्लेयर होने के बाद जितना प्रोपोर्शनेटली पे करना है जो कोर्ट ने बोला है, 10 पैसा out of 1 rupee, 20 पैसा out of 1 rupee, वो पे ऑफ करें और फिर अपने नए बिजनेस की तरफ मूव ऑन करें, राइट बच्चे। खैर ये चीज़ हमारे लिए इतनी ज़्यादा काम की नहीं है। हाँ, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये बहुत काम का है कि क्रेडिटर्स ने कंपनी से पैसे मांगे, कंपनी ने पैसे नहीं दिए, क्रेडिटर्स जो है NCLT के पास चले गए, NCLT कहता है मैं इसको बंद कर दूंगा 180 दिन में, अगर कोई और बंदा इसको बचाना चाहता है तो मेरे पास आ सकता है, और फिर सर कोई और कंपनी आती है, वो एक रेजोल्यूशन प्लान लेके आती है क्रेडिटर्स को प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अगर वो प्लान NCLT और क्रेडिटर्स को समझ आता है तो कंपनी रिवाइव होगी, नहीं तो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। जनरली जो लॉ में सेक्शन 12 में टाइम दिया गया वो कितना दिया गया बेटा? 120 180 डेज का, 20 कहाँ से आ गया?
180 डेज का टाइम दिया गया 6 महीने का, लेकिन अगर क्रेडिटर्स चाहे, अगर जो रेजोल्यूशन प्लान बना के लाया वो कन्विंस कर दे क्रेडिटर्स को, तो 90 डेज और मिल जाएंगे। मतलब एनसीएलटी जो है वो 180 डेज ओरिजिनली प्लस 90 डेज का एक्सटेंशन टाइम गिवन बाय क्रेडिटर्स 270 डेज में इस कंपनी के आके प्रोसेस को, या यू कैन से कि इस रेजोल्यूशन प्रोसेस को क्लोज कर देगा विद द फाइनल डिसीजन के रिवाइव करना है या वाइंड अप करना है। राइट बच्चे, क्लियर है सबको? चले आगे। अब देखिए, अब यहां पर कहता है सर ये बताइए ये जो कोड है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया, मैं इसको भी बहुत बड़ा बड़ा नकली लिख सकता हूं, इसमें से ये एग्जाम में नहीं आएगा। ये कह रहा है सर ये बताइए कि ये आईबीसी किस किस पे अप्लाई होता है। भाई कितनी बार तो बल्डिया के इंडिविजुअल पे होता है, फॉर्म्स पे होता है, एलएलपीस पे होता है और कंपनीज पे होता है, राइट? ये तो हमें पता ही है। इसके अलावा कहता है और भी किसी बॉडी पे हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कल को नोटिफाई करे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी बॉडी को नोटिफाई करती है उस पर भी हो सकता है। या कहता है कंपनीज जो कि गवर्न होती है बाय स्पेशल एक्ट। सर कंपनीज जो कि गवर्न होती है बाय स्पेशल एक्ट, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई बॉडी बनी है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जैसे आईसीएसआई आईसीएआई ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे बने हैं। तो कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी अगर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनी है, कोई भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट है, वो भी इसके अंदर आ सकती है अगर गवर्नमेंट ने उसे नोटिफाई किया है तो। क्लियर है बच्चे ये बात? याद रहेगी कहानी? बेसिकली अगर मैं बोलूं तो हम बोलेंगे इंडिविजुअल प्लस फर्म प्लस एलएलपी प्लस कंपनी प्लस अदर नोटिफाइड बॉडीज, दैट्स इट। क्लियर है? एज सिंपल एज दैट। अच्छा एक चीज बताओ, सुनिएगा इधर जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। देखिए बेटा, कहता है जी देखो मान लो एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी जो है ये इंसॉल्वेंट हो रही है। कहता है इंसॉल्वेंट होते ही ये कंपनी आईबीसी में आ गई, तो कहता है उस पर आईबीसी एक्ट अप्लाई होगा, आईबीसी कोड आईबीसी 2016 अप्लाई होगा। और कहता है सर ये जो कंपनी है इस पर कंपनीज एक्ट 2013 भी अप्लाई होता है। कहता है सर इन दोनों में जो भी कॉन्ट्राडिक्शन होगी, कहता है आईबीसी जो है वो वैलिड माना जाएगा। मतलब आईबीसी, एक बार एक कंपनी आईबीसी में आ गई या एक बार एक एलएलपी आईबीसी में आ गई, तो आईबीसी में आने के बाद आईबीसी इज सुप्रीम लेजिस्लेशन। अगर आईबीसी में कुछ और लिखा है और एलएलपी एक्ट में कुछ और लिखा है, या आईबीसी में कुछ और लिखा है और कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा है, या आईबीसी में कुछ और लिखा है पार्टनरशिप एक्ट में कुछ और लिखा है, तो कहता है आईबीसी जो है वो दूसरे इनकंसिस्टेंट लॉ को सुपरसीड कर जाएगा। क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, जब तक आप कंपनी चला रहे हो तब तक आरओसी, एमसीए, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरडी, रीजनल डायरेक्टर, ये सब आपके लिए अथॉरिटीज होती हैं। लेकिन जिस दिन आप आईबीसी में आ जाते हो सारी अथॉरिटीज खत्म हो जाती हैं, मेन अथॉरिटी एक ही रह जाती है जिसको हम बोलते हैं आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आई रिपीट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक बॉडी है जो इस एक्ट में सबसे, इस कोड में सबसे सुप्रीम मानी जाती है। जैसे सिक्का में बाइफर थी, सारी डिसीजन मेकिंग किसके बाद आ जाती है? बाइफर के पास। उसी तरीके से यहाँ पर आईबीबीआई एक बोर्ड बनाया गया है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है। ये एक बोर्ड है, जैसे शेयर मार्केट के लिए सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? सेबी जो है, जो बोर्ड है वो शेयर मार्केट का रेगुलेटर है। उसी तरीके से आईबीबीआई क्या है, ये जो इंसॉल्वेंसी वाली फर्म्स है या एलएलपीज है या कंपनीज है उनका रेगुलेटर है। तो यहाँ तक हमें बेटा अपनी बात समझ आ गई कि सर जब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड की, तो सर पार्टनरशिप इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी एंड अदर नोटिफाइड बॉडी पे ये कोड अप्लाई होता है। और इस कोड में आने के बाद सुप्रीम पावर कौन है? आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। एक फालतू का ज्ञान देता हूँ आपको, आईबीबीआई जो है इसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे उनका नाम था मधुसूदन साहू। मैं ये नाम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे ये ना, आई नो हिम पर्सनली, मधुसूदन साहू साहब, मैं इनसे कई बार मिल चुका हूं, बिकॉज ये कंपनी सेक्रेटरी आईसीएसआई इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी रहे थे पहले। ये पास्ट में अगर हम बात करें सन 2013 में भी मैं इनसे मिला था, और उस टाइम पे ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ आईसीएसआई। और उसके बाद जब ये इन्होंने आईबीबीआई के चेयरपर्सन की तरह जब इन्होंने डेजिग्नेशन एक्सेप्ट करी, तो उसके बाद भी मैंने इनसे दो बार मीटिंग की,
एक आपको अगर पता हो तो आए दिन सेमिनार्स होते रहते हैं, जब कोई नई चीज़ आती है तो CACS और CW जो इंस्टीट्यूट्स है ये अपने मेंबर्स को उस नई चीज़ बताने के लिए अच्छे अच्छे होटल्स में अच्छी अच्छी जगहों पे आए दिन सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। हर उस सेमिनार में ही वॉज द स्पीकर एंड आई वॉज द पर्सन टू असिस्ट मिस्टर मधुसूदन साहू। ही इज़ अ वेरी नाइस वेरी जेंटल पर्सन, साउथ इंडियन है इसीलिए साउथ इंडियन लोग नाम पहले बोलते हैं अपना सरनेम, तो इसलिए इनका नाम जहाँ पर भी आप जाते हो कभी सेमिनार में इनसे मिलोगे तो इनका नाम लिखा होता है साहू मधुसूदन, क्योंकि साउथ इंडियन लोग हमेशा पहले अपना सरनेम लिखते हैं। खैर एनी हाउ हम चलते हैं आगे। देखिए ये आ गई बात IBBI की। अब ना मैं IBBI से रिलेटेड आपको पहले ये देखिए आ गया साहू मधुसूदन, यही बात देखिए अभी हम कर रहे थे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले मेरी बात को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, सुनिए बेटा इधर देखिए पूरी बात समझिएगा। एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, यहीं पर स्पेस है, देखो इधर। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो बी लिमिटेड है वो बी लिमिटेड NCLT के पास जाएगी और NCLT के पास जाकर एक रेजोल्यूशन प्लान देगी। सर ये जो रेजोल्यूशन प्लान दे रही है, ये रेजोल्यूशन प्लान का मतलब है कि माय लॉर्ड हम ये प्लान बना के लाए हैं कि हम कैसे इसके क्रेडिटर्स ए लिमिटेड के क्रेडिटर्स की प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे और फिर हम लोग ए लिमिटेड की हेल्प करेंगे। लेकिन मेरी बात सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, ये जो बी लिमिटेड है ना बेटा, ये बी लिमिटेड एक्चुअली में क्या करती है, एक बंदे को अपॉइंट करती है जिसको हम IP बोलते हैं। IP स्टैंड फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। बी लिमिटेड आई IP के पास, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास, और बी लिमिटेड ने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया और इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बोला कि आप हमें एक रेजोल्यूशन प्लान बना के दो। फिर वो वाला प्लान इन्होंने NCLT को सबमिट किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस कोड के अंदर बार बार IP वर्ड आप पढ़ेंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पढ़ेंगे। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का मतलब है एक ऐसा प्रोफेशनल, एक ऐसा बंदा जिसको कंपनी, जो नई कंपनी बचाने के लिए आ रही है उसने एक प्लान के लिए अपॉइंट किया है, फिर IP ने प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद दे दिया और फिर वो प्लान NCLT के पास उस कंपनी ने बी लिमिटेड ने सबमिट कर दिया। मेरी बात को बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो IP की हम बात कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की हम बात कर रहे हैं, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या तो CA हो सकता है या CS हो सकता है या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकता है, इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। याद रखिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब 2016 में IBC आया था, गवर्नमेंट ने बोला था जितनी भी कंपनीज की इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन हमारे पास आएगी वो कंपनीज को बचाने के लिए अगर कोई आता है तो उसको IP से रेजोल्यूशन प्लान बनवाना पड़ेगा। और IP सिर्फ कौन हो सकता है, CA, CS या CMA। मेरी बात को सुनिएगा बेटा, अगर आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर आपको CA, CS या CMA कॉस्ट अकाउंटेंट बने हुए 10 साल हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हो IP बनने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास पोस्ट, याद रखिएगा डिग्री के बाद की बात करो, इंटर्नशिप इसमें काउंट नहीं होगी, अगर CA, CS या CMA बने हुए आपको पास 10 साल हो चुके हैं, आपको आपकी मेंबरशिप मिले हुए, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए जा सकते हैं। एम आई क्लियर बच्चे विद दिस? एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पार्टनर हैं प्रदीप कथूरिया, 2016 में प्रदीप भैया ने मुझे बोला कि अमित मुझे IP बनना है तो मुझे IP का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए तू मुझे पढ़ा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया, क्योंकि अगर मैं बात करूं, मेरे को मेरी मेंबरशिप 2010 में मिली थी जो मेंबरशिप का सर्टिफिकेट हुआ, अभी हम बैठे हैं 2019 में, तो इसका मतलब 9 साल हुए हैं, तो मैं अभी IP बनने के लिए एलिजिबल नहीं हूं। मेरी बात सुनिएगा बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए इधर बड़े ध्यान से, बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूं, देखिएगा इधर मेन सबसे ऊपर सुप्रीम बॉडी कौन सी है, IBBI, ठीक है। इस कोड के अंदर सबसे सुप्रीम बॉडी कौन सी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सर इसके अंदर ना 3 अथॉरिटीज है, इसके अंदर 3 बॉडीज है, IPA 1, IPA 2, IPA 3। सर ये IPA का मतलब है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी,
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी 1, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी 2, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी 3। सर ये तीनों किसकी है? सर ये 1 वाली है सी ए इंस्टीट्यूट की, 2 वाली है सी एस इंस्टीट्यूट की, और 3 वाली है सी एम ए इंस्टीट्यूट की। इन तीनों अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अपनी अलग अलग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी बना रखी है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं सी एस हूँ और सी एस हूँ और मैं आई पी बनना चाहता हूँ। अमित वोरा सी एस है और आई पी बनना चाहता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आई पी ए जो हमारी सी एस वाली है इसके पास जाके खुद को रजिस्टर करवाऊँगा और मैं बोलूँगा कि मुझे एग्ज़ाम देना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इंसॉल्वेंसी, दोबारा समझिए पूरी कहानी को। सर जब एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है तो जो रेजोल्यूशन प्लान आ रहा है वो रेजोल्यूशन प्लान कौन दे रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दे रहा है। जो भी कंपनी की हेल्प करने आ रहा है वो किसको अपॉइंट कर रहा है, वो आईपी को अपॉइंट कर रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है, बोलता है आप मुझे प्लान बना के दो, और फिर वो प्लान वो आगे एनसीएलटी को देता है। एम आई क्लियर विद दिस? और सर सी ए सी एस सी एम ए तीनों में से कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है, लेकिन उसे 10 साल का पोस्ट डिग्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट मेंबरशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सर अगर आप सीए हो तो आप सीए वाली आईपीए के पास जाओगे, अगर आप सीएस हो आप सीएस वाली आईपीए के पास जाओगे, अगर आप सीएमए हो तो आप कॉस्ट अकाउंटेंसी वाली आईपीए के पास जाओगे। ये आईपीएस क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है, ये एग्जाम कंडक्ट करती हैं। अगर आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाते हो तो ही आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट आपको मिलता, वरना नहीं मिलता। क्लियर है बच्चे ये बात? इतनी कहानी समझ आई? अब देखिए ध्यान से आगे क्या कह रहे हैं। देखिए कहता है सर आईबीबीआई, आई होप ये आपने लिख लिया होगा। कहता है सर देखिए आईबीबीआई क्या है, कहता है आईबीबीआई जो है ये एक बोर्ड है, ये एक बॉडी है, ये एक बोर्ड है जो रेगुलेट करता है, ये एक बोर्ड है जो रेगुलेट करेगा आईबीसी को। पहले चेयरमैन जो थे मधुसूदन साहू, कहता है आईबीबीआई जो है ये 1 अक्टूबर 2016 को एस्टैब्लिश हो गया था, जबकि नोटिफाई कब हुआ था, 28 मई 2016 को नोटिफाई हुआ था, और उसके बाद इसके अंदर आईबीबीआई में लोगों को हायर किया गया, लोगों को जब जॉब्स निकली तो आईबीबीआई के अंदर जब आप पढ़ोगे ना, खैर इतना डिटेल में आपकी कोर्स में है नहीं, लेकिन जब आप आईबीसी को बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे कोई भी बंदा जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है और कई कई जगह पे 25 साल का एक्सपीरियंस है वो अब आईबीबीआई को ज्वाइन कर सकता है एज मेंबर, राइट। खैर हमें आईबीबीआई के इंटरनल वर्किंग से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो लेना देना है कि जब हमारे पास कोई आता है रेजोल्यूशन प्लान बनाओ तो वो रेजोल्यूशन प्लान कैसे बनेगा, राइट। देखिए इतनी बात समझ आई कि आईबीबीआई के पहले जो चेयरपर्सन थे वो मधुसूदन साहू थे। सर जो आईबीसी है ये 28 मई को आया था, लेकिन आईबीबीआई 1 अक्टूबर 2016 को बनी थी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, जब हम बात करते हैं इसकी आईबीबीआई की, तो आईबीबीआई को बनाया किसने, सीजी ने बनाया। कैसे बनाया, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा आईबीबीआई एक बॉडी कॉरपोरेट है, मैं बार बार, या आप ये कह सकते हो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। देखिए इधर आईबीबीआई एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। आप जानते हो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कौन सी होती है, जब भी कोई बॉडी अपने ही कानून में बनती है तो हम उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। सर सेबी एक्ट 1992 में बना, आरबीआई एक्ट 1934 में बना, सीए इंस्टीट्यूट आईसीएआई एक्ट 1949 में बना, सीएस इंस्टीट्यूट आईसीएसआई एक्ट 1980 में बना, सीडब्ल्यूए इंस्टीट्यूट आईसीडब्ल्यूएआई एक्ट 1959 में बना, या आपने कभी सुना होगा ईएसआई, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक बॉडी है, वो ईएसआई एक्ट 1948 में बनी। तो जब कोई भी बॉडी अपने ही कानून में बनती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। तो आईबीबीआई भी एक बोर्ड है, ये कौन से एक्ट में बना है, ये अपने ही कानून में बना, मतलब आईबीसी 2016 में बना। तो जब भी कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर इनैक्टमेंट के अंदर बनती है उसे हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बोलते हैं। और हम जानते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है उसके वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कंपनी के होते हैं, माने बॉडी कॉरपोरेट के होते हैं, माने ये बॉडी कॉरपोरेट होती है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, और कैपेसिटी ऑफ बीइंग सीड एंड सीव होता है। इस पर कभी हम केस कर भी सकते हैं और केस हो भी सकता है, सुना हुआ है हम लोगों ने। देखिए सर ये एक बॉडी कॉरपोरेट है। एक चीज याद रखिएगा बेटा, जिसको नहीं पता उसको फालतू का ज्ञान दे रहा हूं, कोई भी बॉडी जब चार कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करती है तो वो बॉडी कॉरपोरेट मानी जाती है, याद रखिएगा। बॉडी कॉरपोरेट क्या होती है, वैसे तो इसकी डेफिनेशन दी जाती है
कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंदर कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, शायद आपने कभी सुना हो। देखिए बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, कोई भी बॉडी जो रजिस्टर्ड है इन एनी एक्ट, किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है, प्लस सेपरेट लीगल एंटिटी है, प्लस परपेचुअल सक्सेशन है। आपको पता है सेपरेट लीगल एंटिटी मेंबर अलग है और बॉडी अलग है, एंड परपेचुअल सक्सेशन मतलब कोई भी मर जाए तो बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी विल बी कंटिन्यूड। आज अगर मैं आईपी बन जाऊं और मेरी डेथ हो जाए तो क्या आईबीबीआई बंद हो जाएगा, या मान लो आईबीबीआई के अंदर जितने मेंबर्स हैं क्या वो उनमें से किसी की डेथ हो जाए, क्या आईबीबीआई बंद हो जाएगा। सेबी में कोई चेयरपर्सन है उनकी डेथ हो गई, क्या सेबी बंद हो जाएगा, नहीं। रिलायंस में चेयरपर्सन की डेथ हो गई अंबानी साहब की, खुदा ना खास्ता, तो क्या रिलायंस बंद हो जाएगी, नहीं। तो जो भी बॉडीज को अपने मेंबर्स और डायरेक्टर्स और टॉप लेवल की डेथ या इंसैनिटी से फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। और लास्ट में यहाँ पर कहता है कैपेसिटी ऑफ बीइंग सीड एंड सीयू, कैपेसिटी ऑफ बीइंग सीड एंड सीयू। याद रखिएगा कोई भी बॉडी जब चार कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाती है, और आईबीबीआई भी इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करती है। आईबीबीआई आईबीसी 2016 में बनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, इस पे केस हो भी सकता है और ये केस कर भी सकती है। तो आई होप हमें एक आइडिया मिल गया कि सर आईबीबीआई क्या होता है, ये एक बोर्ड है जो इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन और रेगुलेटरी प्रोविजंस को देखता है। पहले चेयरमैन मधुसूदन साहू थे, हेडक्वार्टर जो है दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर। एक्चुअली में इसका हेडक्वार्टर पहले जो खुला था वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में खुला था लोधी रोड के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं ये 1 अक्टूबर 2016 को आया था, और ये भी समझ आ गया हमें कि सीजी ने इसको एस्टैब्लिश किया है और ये बॉडी कॉर्पोरेट है। डन, ये वाली कहानी भी हमें समझ आ गई बेटा कि क्या कोई भी बंदा रेजोल्यूशन प्लान बना सकता है, नहीं। रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए आप CA, CS या CWA होने चाहिए जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो। और ऐसा नहीं है 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप बोलोगे हाँ जी मेरे को 10 साल हो गए काम करते हुए मैं IPO, नहीं। आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, आपको खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा IPA के पास। कौन सी IPA के पास, CA हो तो CA की इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, CS हो तो CS की इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, CWA तो CMA की इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास जाना पड़ेगा। आई होप कि ये वाला डायग्राम हमें क्लियर हो गया कि सर IBBI सबसे ऊपर है, इसके अंदर तीनों इंस्टीट्यूट्स की IPA है, और फिर उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो आप प्रोफेशनल्स हो, हम प्रोफेशनल किसके पास रजिस्टर होते हैं, IPA के पास, और IPI आगे किसके पास रजिस्टर है, IBBI के पास। राइट बच्चे, क्लियर है। देखिए यहां पर कह रहे हैं सर व्हाट आर दी पावर्स ऑफ IBBI। सर IBBI की क्या क्या पावर्स है, यार आप एक चीज बताइए IBBI की क्या क्या पावर्स है, सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। सर IPA जो है वो IBBI के पास आके रजिस्टर कराती है, और IP मेरे जैसा बंदा जो एग्जाम देगा 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो IPA के पास रजिस्टर होता है, साथ में IBBI उसके द्वारा वो रेगुलेट भी होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सुनिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। सर IPA किसके पास रजिस्टर होंगी, IBBI के पास। सर IP किसके पास रजिस्टर होंगे, IPA के पास। सर कल को आपने एग्जाम देना है, आपकी एग्जामिनेशन फीस कितनी है, आपका एग्जाम का कोर्स क्या है। अब आप सोचिए IP बनने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए, जब आपने एग्जाम देना तो इस एग्जाम का कोर्स करिकुलम क्या है, ये भी किसने डिसाइड किया, IBBI ने डिसाइड किया। एग्जाम कब कंडक्ट होंगे, क्या कोर्स कंटेंट होगा, कितनी रजिस्ट्रेशन फीस होगी। अगर आप IP बन जाते हो, जैसे CA, CS एंड CWS को अपनी मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है, ऐसे आप IP, अभी मैं ICSI का मेंबर हूँ, अगर मैं IP हो जाऊंगा तो मैं IPA का भी मेंबर हो जाऊंगा, तो मुझे दोनों की मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी। यस और नो, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड देयर एजेंसीज। ये बात समझ आ रही है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स भी IBBI के पास रजिस्टर होते हैं, ये भी, और इनकी एजेंसीज भी रजिस्टर होती है। पहला पॉइंट क्लियर है हमें। दूसरी चीज, कैसे रजिस्टर हो गए उसका क्राइटेरिया। अभी मैंने आपको बोला था अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहते हो बेटा तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बोला था मैंने। ये 10 साल वाली बात किसने डिसाइड की, IBBI ने डिसाइड की। सर कितनी फीस वगैरह लगेगी, ये भी IBBI डिसाइड करता है। हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाएंगे उसके बाद हमारा क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, हम पे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, ये भी IBBI डिसाइड करता है। सर एग्जाम का कोर्स क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, ये भी IBBI डिसाइड करता है। सर कभी भी कोई छानबीन हो सकती है, यस।
आईबीबीआई सुप्रीम अथॉरिटी है। अगर आपने कभी सेबी एक्ट 1992 पढ़ा हो या पढ़ोगे तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कभी भी किसी इंटरमीडियरी पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, ब्रोकर पे, इन्वेस्टर पे इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है कि भैया क्या इनमें से कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। इसी तरीके से आईबीबीआई कि कभी भी आईपीए पे या किसी भी आईपी के ऑफिस में अगर कभी इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा बेटा, जब पहली बार इंस्पेक्टर आता है और वो ऊपर ऊपर से चीजों को चेक करता है, आया ऊपर ऊपर से उसने चीजों को चेक किया, दैट इज नोन एज इंस्पेक्शन। लेकिन जब वो इंस्पेक्शन में कुछ गलत उसे मिलता है, फिर वो कहता है मैं डिटेल के अंदर जाऊंगा, मैं पूरा अंदर तक जाके छानबीन करूंगा, दैट इज नोन एज इन्वेस्टिगेशन। अगर मेरे से क्यों पूछे तो मैं बोलता हूँ इंस्पेक्शन इज अ प्रोब, प्रोब मतलब छानबीन, वेयर एज इन्वेस्टिगेशन इज अ डीपर प्रोब। जब हम देखते हैं चीजों को तो वो इंस्पेक्शन होता है, जब अंदर जाके देखते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन होता है। एम आई क्लियर बच्चे? और आगे कहता है कि सर आईपी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आईपीए कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करना किसका काम है, आईबीबीआई का। यार अगर मैं सिंपल भाषा में बोलना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि सर ये सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी बॉडी है, खत्म हो गई बात, सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी बॉडी है। सर आईपी, अगर मेरे से कोई पूछे सर आईपी इनके पास रजिस्टर होते हैं, आईपीए भी इनके पास रजिस्टर होता है, आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आईपीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, सर ये दोनों से फीस भी लेती है, सर ये दोनों को रेगुलेट भी करती है, सर ये दोनों पे इंस्पेक्शन भी करती है, सर ये दोनों की परफॉर्मेंस को चेक भी करती है, सर कोर्स करिकुलम कितना होगा, एग्जाम में कब 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 कितनी बार साल में एग्जाम होंगे, सर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी होगी, मेंबरशिप फीस कितनी होगी, ये और एक आईपी को कितनी बार अटेम्प्ट देने का राइट है, ये सारी की सारी चीजें किसके हाथ में है, आईबीबीआई के हाथ में है। क्लियर है बच्चों ये बात, याद रहेगा सबको। तो अगर मेरे से कोई पूछे सर अभी तक इट्स बीन अराउंड 1 आवर या इवन मोर देन दैट, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो मैं बोलूंगा सर 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 1, दैट वाज इंट्रोडक्शन। आई होप हमें यहां तक पूरी बात क्लियर हो गई, मैं रिवाइज करा रहा हूं एक बार, ये सर ये बात तो समझ आ गई कि ये एक्ट इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन से डील करता है इंडिविजुअल फर्म, एलएलपी, कंपनी या अदर नोटिफाइड बॉडीज की। सर ये आने से 3 एक्ट रिपील हुए हैं और 10 एक्ट जो है वो अमेंड हुए हैं, जिसमें से 3 एक्ट जो है वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के हैं, बाकी 3 एक्ट जो है वो रिकवरी के हैं और बाकी 4 जो है वो टैक्सेशन के हैं। सर इसके बाद हमें समझ आ गई कि इसका मेन विजन क्या था, कंसोलिडेट और अमेंड करना इसका पर्पस था, मेन विजन था लोगों को ये समझाया जाए कि इंसॉल्वेंसी बुरी नहीं होती, इंसॉल्वेंसी मींस आपने एक अटेम्प्ट किया बिजनेस करने का जो फेल हो गया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद कहते हैं जी ये एक्ट सब पे अप्लाई किस पे होता है, मैंने बता दिया, एक बार जब आप आईबीबीआई के पास आ जाते हो, आईबीसी कोड में आ जाते हो, तो जितने भी अदर लॉज हैं अगर उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन है तो इसका मतलब ये सुप्रीम लेजिस्लेशन है, उसको ओवरूल कर जाएगी। फिर इसके बाद ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 जो कि रिलेटेड था आईबीबीआई से रिलेटेड। आईबीबीआई एक बॉडी है, हमें क्लियर हो गया, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, बॉडी कॉर्पोरेट है, और ये जो है रेगुलेट करती है किसको, आईपीए को एज वेल एज आईपीस को। इसमें हमें ये समझ आ गया सर ये कैसे रेगुलेट करती है, इसकी क्या क्या पार्ट्स होती है, राइट बच्चे, क्लियर है कहानी सबको। तो यहां तक हमें समझ आ गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ आईपीए होगा प्लस रजिस्ट्रेशन ऑफ आईपी होगा प्लस इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन होगा प्लस मॉनिटर करेंगे परफॉर्मेंस को, रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया देखेंगे, रजिस्ट्रेशन फी देखेंगे, एग्जाम का करिकुलम देखेंगे। क्लियर है बच्चे? और जब हम एग्जाम क्लियर कर जाते हैं तो हमारी मेंबरशिप को गवर्न करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आईबीबीआई ही बनाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ बेटा अभी तक आपको ये बहुत टफ नहीं लगा, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, राइट बच्चे। एक चीज समझ आ गई है कि कोई भी आईपी बन सकता है लेकिन सीए सीएस सीडब्ल्यू होना चाहिए और उसको कम से कम 10 साल का पोस्ट डिग्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आईपी बनने में बहुत पैसा मिलता है बेटा, एक एक, अभी मैं अगर अपने पार्टनर प्रदीप भैया की बात करूं तो उन्होंने अभी पिछले 2 सालों में 2 कंपनीज के रेजोल्यूशन प्लान बनाए हैं और एक एक कंपनी से 10-10 लाख रुपए की फीस लिया है इन्होंने। आपको पता है अगर एक बार आप आईपी बन गए और आपको आईपी में मजा आने लगा तो आप जो जीएसटी और ये इनकम टैक्स, आईटीआर भरना या आपका कॉस्ट ऑडिट करना, सेक्रेटेरियल ऑडिट करना, ये सब आपको नकली लगेगा क्योंकि इसमें जो फीस होती है क्लाइंट पे वो 5,000 से लेके 2 लाख तक जाती है। लेकिन अगर हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की बात करते हैं तो रेजोल्यूशन प्लान बनाने के ये लोग 10 लाख से 50 लाख रुपए एक रेजोल्यूशन प्लान के ले लेते हैं। क्लियर है बच्चे ये बात?
अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। हम आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, इधर देखिएगा ध्यान से, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आईपीए क्या होता है सर? इंसॉल्वेंसी एंड प्रोफेशनल एजेंसी क्या होती है? यार अभी आप एक चीज़ बताइए, ये कह रहा है आईपीए क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा जो मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि आईपीए की फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। इंडिया में कितनी आईपीएस हैं? 3 हैं, एक सीए इंस्टीट्यूट की, एक सीएस इंस्टीट्यूट की, एक सीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट की। तीनों ने अपने आप को रजिस्टर कराया। किसके पास रजिस्टर कराया? तीनों ने आईबीबीआई के पास। अब आईबीबीआई जो है वो इनको रेगुलेट करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर आईपीए जो है, सुनिएगा ध्यान से, सर आईपीए जो है इसने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दी आईबीबीआई को और आईबीबीआई ने इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया। आज के टाइम में सीए सीएस सीडब्ल्यूए तीनों इंस्टीट्यूट्स की अपने अपना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है। याद रखिएगा, सीएस होके आप सीए वाली आईपीए के पास रजिस्टर नहीं करा सकते। आप जो भी बॉडी के मेंबर हो, आपको उसी की रेस्पेक्टिव आईपीए के पास जाना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा है आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएमएआई या अभी तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स बोलते हैं, ये अप्लाई कर चुकी है ऑलरेडी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रिस्पेक्टिव एजेंसीज, राइट। लेकिन कहता है जी इसके भी कुछ रूल्स है। आईपीए क्या कंपनी होगी? आईपीए क्या कोई बॉडी होगी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होगी, क्या होगी? देखिए कहता है आईपीए जो है, पहली बात वो सेक्शन 8 कंपनी है, माने कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। आईपीए जो है ये कंपनी की फॉर्म में बनेगा, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट की फॉर्म में। और सुनिए, कहता है ये जो कंपनी होगी, या तो ये किसी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है या होल्डिंग कंपनी हो सकती है, सब्सिडरी की सब्सिडरी नहीं हो सकती। आई रिपीट, या तो ये कंपनी होगी या किसी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी भी हो सकती है, लेकिन कहता है थर्ड चेन में सब्सिडरी नहीं हो सकती। देखिए, नॉट सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी, क्लियर है ये बात? या तो ये मेन कंपनी हो सकती है जो किसी की होल्डिंग सब्सिडरी ना हो, या अगर ये किसी की सब्सिडरी है तो ज्यादा से ज्यादा इसकी एक होल्डिंग कंपनी हो सकती है। मतलब अगर हम लेवल्स की बात करें, एच और एस, S1, S2, होल्डिंग के अंदर सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 1 के अंदर सब्सिडरी 2, तो ये वाली कंपनी या ये वाली कंपनी, ये दोनों आईपीए बन सकते हैं, लेकिन ये आईपीए नहीं बन सकती। सब्सिडरी की सब्सिडरी आईपीए नहीं हो सकती। आईपीए सिर्फ चेन में फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल पे हो सकती है, थर्ड लेयर पे नहीं हो सकती, राइट। ये दो बातें सिंपल है कि सर ये सेक्शन 8 कंपनी है, और दूसरी बात, सेक्शन 8 कंपनी है लेकिन ये होल्डिंग होगी या तो प्योरली, या तो अदर देन होल्डिंग सब्सिडरी में सिंपल एक कंपनी होगी, या अगर सब्सिडरी होगी तो इसकी एक ही होल्डिंग कंपनी होगी, दो होल्डिंग नहीं होगी, राइट। आगे कह रहा है सर इसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ होनी चाहिए और सर इसकी नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, पेड अप कैपिटल 5 करोड़, नेटवर्थ 100 करोड़, सॉरी 10 करोड़, 100 कहाँ से आ गया? पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और नेटवर्थ 10 करोड़ होनी चाहिए, 10 करोड़। और नेटवर्थ का मतलब हमको यहाँ पर पता है, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो कहने का मतलब, अगर मेरे से कोई पूछे कि सर आईपीए क्या है, तो मैं बोलूंगा जी मेरे को तो पता चल गया, आईपीए एक एजेंसी है जो सीए सीएस सीएस सीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट तीनों ने अपनी अपनी बना रखी है, जो कि आईबीबीआई के पास रजिस्टर होते हैं, और इनके जो रिस्पेक्टिव मेंबर्स हैं वो इनके पास रजिस्टर होते हैं, जो सीए सीएस सीडब्ल्यू आईपीए बनना आईपी बनना चाहते हैं। सर ये सेक्शन 8 कंपनी होती है, ये सब्सिडरी की सब्सिडरी नहीं हो सकती है, चेन में थर्ड सब्सिडरी नहीं होगी है, मतलब चेन में थर्ड लेवल थर्ड लेयर पे नहीं आएगी है। सर इसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ होती है और इसकी नेटवर्थ जो है वो 10 करोड़ होती है। एम आई क्लियर विद दिस? समझ आती है इतनी कहानी? डन, चले आगे। अब देखिए, अब कहता है सर आप ये बताइए कि आईपीए के क्या क्या फंक्शंस है। बड़े ध्यान से देखिएगा, कह रहा है व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ आईपीए। यार आप पहले, सबसे पहले मेरी बात को एक जवाब दो, आईपीए के ऊपर कौन है? आईबीबीआई, ये ऊपर है, इसके नीचे आता है आईपीए, इसके नीचे आता है आईपी, यही है, राइट। अब मेरी बात को इधर सुनिएगा बेटा, जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं सुनिए। मान लीजिए कि बी लिमिटेड जो ए लिमिटेड को बचाने के लिए आई थी, उसने एक आईपी को हायर किया कि आप हमारे लिए रेजोल्यूशन प्लान बनाओ, पर उस आईपी ने अच्छी सर्विसेज नहीं दी, तो वो जो बी लिमिटेड है वो उस आईपी की कंप्लेंट कहां करेगी? जिस आईपीए के पास वो रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब, पहली बात, आईपीए का फंक्शन क्या है कि वो कंज्यूमर्स के ग्रीवियंसेस को रेड्रेस करते हैं, या कंज्यूमर का मतलब कौन है? वो दूसरी कंपनी जो कि बचाने के लिए आ रही है, यस और नो? तो अगर किसी ने भी आईपी की सर्विसेज को हायर किया और आईपी ने अच्छी सर्विसेज
नहीं दी तो उस आईपी के अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है। सर उस आईपी के अगेंस्ट कहाँ कंप्लेंट लॉन्च की जाएगी? जिस आईपीए से वो गवर्न होता है, सीएस वाला आईसी, सीएस वाली आईपीए पे, सीए वाला सीए वाली पे और सीएमए वाला सीएमए वाली पे, राइट। सर दूसरी बात, आईपीस को भी सेफगार्ड किया जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं आईपी हूं और अगर मुझे उस कंपनी से कोई दिक्कत है तो मैं उस कंपनी के अगेंस्ट भी कहां पर कंप्लेंट करूंगा? मैं उस कंपनी के अगेंस्ट भी आईपीए के पास कंप्लेंट करूंगा। मतलब अगर वो कंपनी कुछ नाजायज, कुछ गलत टर्म बोल रही है तो अगर वो कंप्लेंट लेके आ रही है और वो कंप्लेंट मेरी गलती नहीं है कोई, तो क्या आईपीए मेरे बिहाफ पे उन्हें जवाब नहीं देगा कि नहीं जी आईपीए एकदम सही कर रहा है, वो अपनी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, आप उसे कुछ नाजायज या गलत चीज करने को बोल रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंज्यूमर गलत है तो वो मेरे को सेफगार्ड करेगा, अगर बी लिमिटेड गलत है तो वो आईपी को बचाएगा, और अगर आईपी गलत है तो वो बी लिमिटेड को सपोर्ट करेगा। सिंपल सी बात है। आगे कहता है अगर उसको लगता है कि अमित ने गलत किया था, आईपी ने गलत किया था, तो वो अगर मेरे को मेंबरशिप ग्रांट कर सकता है आईपीए की, तो वो मेरी मेंबरशिप को सस्पेंड या कैंसिल भी कर सकता है। बेटा एक चीज याद रखिएगा, जब मैंने आईपी का एग्जाम दिया, मैं आईपीए के पास रजिस्टर हो गया, बाद में मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट्स आई और कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा सीरियस थी, थोड़ी बहुत होती है, मतलब बेसिक कंप्लेंट्स होती है, तो मुझे रेप्रीमांड करके छोड़ दिया जाता है। रेप्रीमांड मतलब वार्निंग देके, धमका के। थोड़ी सी बड़ी होती है तो मुझे थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है कि अमित जी आप 3 महीने तक आईपी का काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है तो मेरी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो रेप्रीमांड और सस्पेंड और कैंसिल। और कहता है एक चीज़ और, जब आप आईपीए के पास रजिस्टर होते हो एज एन आईपी, तो आप पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होते हैं, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ या नहीं, वो देखना किसकी ड्यूटी है? आईपीए की ड्यूटी है। आईपीए ये देखता है कि क्या जो इनका आईपी है वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। एम आई क्लियर विद दिस? और ये कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ दिया गया? स्केड्यूल वन में। यही अभी हमारा आगे क्वेश्चन आएगा, हम पढ़ेंगे व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए ये आ गया कोड ऑफ कंडक्ट फॉर आईपीस, इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो यहां तक अभी हमें बात समझ आ गई कि आईपी कौन होता है और आईपीए के क्या क्या फंक्शन, आईपीए क्या होता है और आईपीए के क्या क्या फंक्शन होते हैं। अगर हम बात करें तो अभी तक हमने 7 क्वेश्चन कौन कौन से पढ़े हैं। सबसे पहला पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लोगों ने सेकेंड पढ़ा पर्पस वाला, पर्पस एंड विजन। थर्ड हमने पढ़ा एप्लीकेबिलिटी। फिर हमने पढ़ा आईबीबीआई क्या होता है और आईबीबीआई के पावर्स क्या क्या होती है। फिर हमने पढ़ा आईपीए क्या होता है और आईपीए के बाद सर आईपीए के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आई होप हम लोगों ने यहां तक चीजें क्लियर कर ली है, राइट बच्चे? शैल वी प्रोसीड? अब देखिए आगे यहां पर कहता है कि सर आईपी कौन होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होता है। बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हम आईबीसी की बात करते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जब हम आईबीसी 2016 की बात करते हैं, आपको पता है हर एक्ट में या हर कोड में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस गिवन होती है, लेकिन इसके अंदर बेटा सेक्शन 3 के अंदर डेफिनेशंस दी गई है। तो कहता है आईपी की डेफिनेशन सेक्शन 3 क्लॉज 19 के अंदर गिवन है। देखिए क्या डेफिनेशन दी गई है, देखिए बेटा। कहते हैं सर आईपी वो है जो आईपीए के पास एनरोल करता है अंडर सेक्शन 206 एंड आईबीबीआई के पास भी रजिस्टर होता है अंडर सेक्शन, ये गलत लिखा है, अंडर सेक्शन 207। इसका मतलब ये हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कि आईपी जो है वो आईपीए के पास रजिस्टर होता है और वो आईबीबीआई के पास भी रजिस्टर होता है थ्रू आईपीए, हाँ या ना? तो इसका मतलब मेरी एप्लीकेशन में सेक्शन 206 में आईपीए को देता हूँ और फिर सेक्शन 207 में आईपीए आगे मेरी एप्लीकेशन को आईबीबीआई को फॉरवर्ड करता है। तो सर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन है? सेक्शन 3 क्लॉज 19 में लिखा हुआ है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक ऐसा बंदा है जो एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईपीए एंड आईबीबीआई के पास रजिस्टर्ड है। आईपी के पास रजिस्टर होने के लिए आपको सेक्शन 206 कंप्लाई करना पड़ता है, जबकि आईबीबीआई के पास सेक्शन 207 कंप्लाई करना पड़ता है। सेक्शन 206 में आईपी आईपीए के पास रजिस्टर होता है और सेक्शन 207 में आईपी आईबीबीआई के पास रजिस्टर होता है। ये देखिए मैंने वही वाला डायग्राम के सबसे ऊपर बॉडी आईबीबीआई है, उसके नीचे आईपीए है, उसके नीचे आईपी है। यही वाला डायग्राम अगर आप देखेंगे तो मैंने कहीं यहाँ पर बनाया था, ये देखिए सबसे ऊपर आईबीबीआई है, उसके नीचे आईपीए है और आईपीए के नीचे आईपी है जो सीएस या सीएसीडब्ल्यू आईपी बनना चाह रहा है,
यस और नो बच्चे, एम आई क्लियर विद दिस? चले आगे। तो यहां तक हमें समझ आ गया कि सर आईपी कौन होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया, मान लो आप 8th। बेसिक है, छोटी छोटी चीजें हैं बेटा। अब यहां पर देखिए ये वाली चीज कहता है, सर जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आप आईपी बन गए, आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन गए। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के बाद इसका मतलब पहली स्टेज क्या है कि अमित वोहरा को 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीए सीएस या सीडब्ल्यूए बने हुए। चलो सर मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अब मैंने क्या किया, आईपीए के पास जाके अपने आप को एनरोल कराया और एग्जाम दिया। सर एग्जाम क्लियर हो गया तो मैं कौन बन गया, आईपी बन गया। अब आईपी बनने के बाद मेरे पे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे, मुझे कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट, कौन सा ड्यूटीज, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। यानी वही जनरल सी बातें हैं, आप ईमानदारी से काम करोगे, आप पार्शियलिटी नहीं करोगे, आप एकदम जेन्युइन रेजोल्यूशन प्लान बनाओगे, रिश्वत लेके कुछ गलत नहीं करोगे, आप इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी से काम करोगे, आप बेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज दोगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती और आपको लगता है कि मुझे इसके लिए किसी और एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो, आपको अकेले गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट चीज टाइमलाइननेस। टाइमलाइननेस का मतलब क्या है कि आप जब एक चीज़ अपने हाथ में लेते हो तो आपको पता है कि आपको रेजोल्यूशन प्लान बना के देना पड़ेगा। अगर आपको किसी ने आईपी हायर किया तो आपको रेजोल्यूशन प्लान बना के देना पड़ेगा। याद रखें रेजोल्यूशन प्लान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 डेज के अंदर बन जाना चाहिए, या मैं ऐसे कह सकता हूँ, आप पढ़ेंगे आगे कि जब टोटल लिमिट है सेक्शन 12 की 180 डेज वाली, कहता है 180 डेज की टोटल लिमिट है, उससे 30 दिन पहले तक रेजोल्यूशन प्लान फाइनल होके क्रेडिटर से अप्रूव हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये कि ये जो एक्ट है ना, इसमें हर जगह पे टाइम लिमिट दे रखी है। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मतलब आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अगर हम आईपी को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी बोलते हैं, तो अगर आईपी या आरपी कुछ भी कह लो, अगर वो रेजोल्यूशन प्लान टाइमली नहीं बनाता तो इससे होगा क्या, बेचारी जो कंपनी है वो वाइंड अप हो जाएगी, क्योंकि एनसीएलटी बोलेगा आप मेरे पास टाइम पे नहीं आए। तो ये भी आईपी की ड्यूटी बनती है बेटा कि वो टाइमली टाइम रहते हुए अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट करे और रेजोल्यूशन प्लान तैयार करके क्रेडिटर्स के सामने ले जाए। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहली चीज इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, आप ऑनेस्टी के साथ काम करोगे और आप ऑब्जेक्टिव और फोकस्ड होकर काम करोगे। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, आप पार्शियलिटी नहीं करोगे, आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनली आप कंपीटेंट होने चाहिए। प्रोफेशनली कंपीटेंट का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर एग्जाम हुआ था, एग्जाम दे तो दिया, यहां पर कहता है कि आप बिल्कुल अपडेटेड होने चाहिए, आप बिल्कुल अमेंडेड होने चाहिए, आपको जो भी लेटेस्ट चीजें आ रही है वो सब पता होनी चाहिए। सर आपको सारे के सारे करेक्ट फैक्ट्स पेश करने हैं, आप कुछ भी झूठी चीज रेजोल्यूशन प्लान में नहीं डालोगे, टाइम रहते अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसका मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन, आईपी आप रेजोल्यूशन प्लान बना रहे हो, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हो किसी से। किससे लोगे, आप आगे पढ़ेंगे बेटा, इसके अंदर एक नाम आएगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, एक नाम आएगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, आगे आप पढ़ोगे आईयू। आईयू एक बंदा होता है जिसके पास कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये एक पर्सन है, नाम से ऐसे लग रहा है जैसे कोई सर्विस है। आईयू एक पर्सन होता है, आईपी जब रेजोल्यूशन प्लान बना रहा है, अगर उसे लगता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, लेनी है या देनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज किसके साथ करता है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के साथ करता है। बेटा जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी। अभी तक मैंने आपको इसमें आईबीबीआई बताया, फिर मैंने इसमें आपको आईपीए बताया, फिर आईपी बताया, फिर आईपी के बाद अब आईयू आ गया। अभी आप पढ़ोगे, मैंने कहा था अभी आपको कि हम आईपी को आरपी भी बोलते हैं। आईपी स्टैंड फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आरपी स्टैंड फॉर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। बात तो ये की है, आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो तभी तो आपको कंपनी अपॉइंट करेगी प्लान बनाने के लिए, और तब आपको क्या बोला जाएगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो यहाँ पर बहुत सारी अब्रीविएशन या एक्रोनिम्स है जो आपने याद करनी है। आगे देखिए, आप जब क्लाइंट के लिए रेजोल्यूशन प्लान बना रहे हो बी लिमिटेड के बिहाफ पे, आप ए लिमिटेड के लिए रेजोल्यूशन प्लान बना रहे हो, तो आपको बी और ए के अंदर की बहुत सारे फाइनेंसेस पता चलेंगे, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, या मान लो आपको उनके बारे में पता चल गई बहुत सारी चीज़ें और वो लिस्टेड कंपनी है, तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपने कभी सुना होगा इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेडिंग बाय इनसाइडर्स ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल विद जनरल
पब्लिक, सर आप कंपनी के CS हो या आप मान लो IPA हो, आप अब कंपनी के लिए रेजोल्यूशन प्लान बना रहे हो और आप आपको पता है कंपनी के अंदर का स्ट्रक्चर, आपको पता है जैसे ही ये रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होगा, अप्रूव होते ही वो जो डूबती हुई कंपनी है वो रिवाइव हो जाएगी, तो मार्केट में अच्छी न्यूज़ आएगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, तो इसीलिए चलो मैं शेयर खरीद लेता हूँ उस ए लिमिटेड के क्योंकि प्राइस तो बढ़ने वाला है। तो कहता है नहीं, आपके लिए, इसको हम अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं सेबी की लैंग्वेज में, आपके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। इसका मतलब जब आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने तक रखोगे, ना किसी और को दोगे और ना उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप खुद पैसे कमा सकते हो, राइट बच्चे। आगे कह रहा है जो रेमुनरेशन जायज है वो आप लोगे, जो आपका कॉस्ट आई है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में वो लोगे, और आप हॉस्पिटैलिटी या कोई गिफ्ट रिसीव नहीं करोगे। कोई आपको हॉस्पिटैलिटी या गिफ्ट दे दिया या हॉस्पिटैलिटी, आओ कभी हवेली पे, सर कभी आओ हमारे यहाँ स्विट्ज़रलैंड आओ घूमने, आइए हमारा वहाँ पर घर है, वहाँ पर रहिए, देखिए बताते हैं हम आपको कितना अच्छा, कितनी अच्छी कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, कभी 10 दिन के लिए सेवा का मौका दीजिए। वो जो सेवा है या वो जो गिफ्ट है, वो जो हॉस्पिटैलिटी है, वो क्या है? वो एक तरीके से रिश्वत है फेवर लेने के लिए। तो कहता है आप अपने क्लाइंट से या जिस कंपनी के लिए आप बना रहे हो रेजोल्यूशन प्लान, बी लिमिटेड या ए लिमिटेड या क्रेडिटर्स, आप किसी से, क्रेडिटर्स तो खैर क्रेडिटर्स का RP से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बी लिमिटेड और ए लिमिटेड की अगर हम बात करें तो आप इनसे पैसे लेके, रिश्वत लेके कुछ ज़बरदस्ती ऐसा फेक प्लान नहीं बनाओगे। मान लो रेजोल्यूशन प्लान आप जेन्युइन बनाओगे, लेकिन अब उसके अंदर आपने कुछ 4-5 चीज़ें बढ़ा चढ़ा के लिख दी जो क्रेडिटर्स को अच्छी लगी और क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया, तो कंपनी तो रिवाइव हो गई लेकिन आपने झूठ लिखा, तो कल को आप पनिश होगे, कल को आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। तो कहता है रिश्वत लेके आप कोई भी ऐसी गलत स्टेटमेंट रेजोल्यूशन प्लान में नहीं लिखोगे जिससे आपको लगे कि हाँ ये वाला पॉइंट फेवरेबल है, ये डाल दूंगा तो क्रेडिटर्स तो हाँ कर ही देंगे, ऐसा कोई पॉइंट उसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चे ये बात, समझ आई कहानी? अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि सर रेजोल्यूशन कैसे होता है, अभी तक हमने प्रोसेस पे नहीं आए, प्रोसीजरल पार्ट पे अभी तक नहीं आए, अभी तक तो हम सिर्फ टर्म्स और बेसिक जो मीनिंग्स है उसको पढ़ रहे हैं, राइट बच्चे, क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा जिसके अंदर हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स पढ़ लिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ लिया, उनके फंक्शंस पढ़ लिए, हमने IPA पढ़ लिया, IPA के हमने अथॉरिटीज और पावर्स पढ़ ली, IBBI की पावर्स पढ़ ली, उसके फंक्शंस पढ़ लिए, इसके अलावा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, पर्पस एंड विजन पढ़ लिया और एप्लीकेबिलिटी ऑफ दी कोड पढ़ लिया, राइट बच्चे। 3 क्वेश्चन वो थे, बाकी 3 अलग अलग IPA, IP, IBBI, इन तीनों के 2-2 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए। आई होप के अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होता है, कितने साल का एक्सपीरियंस होगा तो बनेगा, किसके पास रजिस्टर होगा, IPA के पास होगा अंडर सेक्शन 206 एंड IBBI के पास रजिस्टर होगा अंडर सेक्शन 207। IP की डेफिनेशन सेक्शन 3 क्लॉज 19 के अंदर दी गई है। सर ये IPA के पास होते हैं, IPA एक बॉडी है जो कि हर इंस्टीट्यूट CACA CWA ने बना रखी है, सेक्शन 8 कंपनी है। सर सब्सिडरी की सब्सिडरी नहीं हो सकती है, पेड अप कैपिटल 5 करोड़, नेटवर्थ 10 करोड़ होनी चाहिए इसकी मिनिमम। और कहता है कि सर CACA CWA तीनों ने खुद को रजिस्टर कराया, तीनों को IPA का सर्टिफिकेट IBBI ने दिया है, IBBI बोर्ड है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, बॉडी कॉर्पोरेट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रेगुलेटरी बॉडी है जो सुपरवाइज करती है इस एक्ट को, इस कोड को, नॉट एक्ट, कोड को, और इसके जो पहले चेयरपर्सन है ही वॉज मधुसूदन साहू, राइट। आई होप आज की क्लास में आपको कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन प्लीज स्टडी हार्ड, जो मैंने आज पढ़ाया है अगर ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी तो ही आप नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, नहीं तो अगर मैं नेक्स्ट क्लास में बोलूँगा IPA IP या मैं बोलूँगा IBBI तो आपको अगर चीज़ें याद नहीं है तो प्लीज़ आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप इसको पूरा रिवाइज करके आएंगे। और याद रखिएगा मैंने आपको चार्ट्स और शॉर्ट नोट से पढ़ाया है, लेकिन आप इसको लॉन्ग नोट से भी पढ़ेंगे, और जब आप लॉन्ग नोट से पढ़ेंगे तो आपको पता ही है यू विल कम टू नो के सर सारी की सारी थियोरी वही है जो आपने पढ़ाई थी। क्लियर है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू।